मेरा कोई नाम नहीं है लेकिन मैं भाईजान नाम से जाना चाहता हूँ कोई जान देता है कोई जान लेता है शहर इनके कब्जे में जुर्म के रास्ते कितने ही मखमली के ना हो सर खत्म तो जेल के कंबल में ही होते हैं। जो हमको पकड़ सके वो आदमी पैदा ही नहीं हो तुम्हारे सामने मैं एक ही बार बोलता हूं क्योंकि दूसरी बार सुनने के लिए तू नहीं होगा पावर आई थिंक असि कुछ भी याद नहीं अगर किसी की जान भी लेनी पड़े, तब भी हम पीछे नहीं हटेंगे इसका ख्याल रखना जान से भी ज्यादा बॉलीवुड में साउथ फिल्मों के रीमेक बनाने का ट्रेंड काफ़ी पुराना है लेकिन तब कम ही दर्शकों को पता होता था कि फला बॉलीवुड फिल्म किस साउथ फिल्म की, की रीमेक है साथ ही तब साउथ फिल्मों के हिंदी वर्जन भी उपलब्ध नहीं होते थे लेकिन कोरोना के दौरान दर्शकों ने ओ और यूट्यूब पर जमकर साउथ सिनेमा की हिंदी में डब फिल्में देखी ऐसे में अब उन्हें साउथ की हिंदी रीमेक की रिलीज से पहले ही पता होता है कि वह किस साउथ फिल्म की रीमेक है सलमान खान की ईद के मौके पर रिलीज किसी का भाई किसी की जान साल दो में आई तमिल सुपरस्टार अजीत कुमार की फिल्म वीरम की रीमेक इस फिल्म के नाम की तरह इसके बनने की कहानी भी काफ़ी दिलचस्प है डायरेक्टर फरहाद सामजी बीरम को हिंदी में बच्चन पांडे के नाम से अक्षय कुमार के साथ बनाना चाहते थे लेकिन बाद में उन्होंने एक दूसरी तमिल फ़िल्म जिगर ठंडा पर बच्चन पांडे बनाई जो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही फिर फरहाद सामजी ने बीरम की स्क्रिप्ट सलमान को दिखाई जो उन्हें इतनी पसंद आई कि उन्होंने इस पर कभी ईद कभी दिवाली टाइटल से फिल्म घोषित कर दी जो कि आखिरकार अब किसी का भाई किसी की जान के नाम से रिलीज हुई है फिल्म की कहानी वही है जो कि अजीत कुमार की फिल्म बीरम की है भाईजान यानी सलमान खान ने अपने तीन छोटे भाइयों की जिम्मेदारी के कारण शादी नहीं की दरअसल भाईजान ने तीन अनाथ बच्चों को अपना भाई बनाकर पाला था अब भाईजान अपनी और अपने भाइयों की शादी के भी खिलाफ हैं ताकि उन भाइयों के बीच कोई और ना आए लेकिन भाईजान के छोटे भाई उनकी शादी करवाना चाहते हैं ताकि वो अपने प्रेम के साथ घर बसा सके इसके लिए वे तमाम जुगत लगाते हैं एक दिन भाईजान के लाइफ में हैदराबाद से आई भागी यानी पूजा हेगड़े की एंट्री होती है भागी को भाईजान पसंद आ जाते हैं लेकिन भाई जान उससे दूर भागते हैं हालांकि धीरे धीरे वह उससे चाहने लगते हैं एक दिन उन्हें पता लगता है कि भाग्य लक्ष्मी के बड़े भाई अन्य अन्य वेंकटेश दगुबाती परेशानी में हैं फिर भाईजान अपने भाइयों के साथ भाग्य लक्ष्मी की फैमिली की मदद के लिए पहुंच जाते हैं क्या भाईजान और भाग्य का मिलन हो पाता है यही इस फिल्म में आगे दिखाया गया है फिल्म के डायरेक्टर फरहाद सामजी ने दस साल पुरानी कहानी पर बेहद कमज़ोर स्क्रिप्ट के साथ यह फिल्म बनाई है महज ढाई घंटे से कम समय की फिल्म में उन्होंने इतने सारे मसाले डाल दिए हैं कि उन्हें समेटना खुद फरहाद के लिए मुश्किल हो गया है बेशक इस फिल्म की तुलना अजीत कुमार की भीरम से होगी बिरम की कहानी कसी हुई थी और उसमें बहुत ज़्यादा ड्रामा भी नहीं था लेकिन यहां पर सलमान ने फिल्म में भारी भरकम स्टारकास्ट जोड़ ली है जो कि कई बार बोझिल की, की कहानी न सिर्फ नए जमाने के हिसाब से बकवास लगती है बल्कि इसके गानों में भी सलमान अजीबों गरीब अंदाज में थिरकते नजर आते हैं फिल्म का नै लगदा और बिल्ली बिल्ली गाना जरूर हिट है लेकिन बाकी गाने नहीं जमते सलमान ने फिल्म में अपने अंदाज के मुताबिक की है। वही पूजा एक बार फिर बॉलीवुड में एक अद्धत हिट के लिए स्ट्रगल करती नजर आती हैं। हालांकि वेंकटेश और जगपति बाबू जरूर अपने रोल में जमे हैं बाकी कलाकारों के पास फिल्म में करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था अगर आप सलमान खान के बड़े वाले फैन नहीं हैं तो बेहतर होगा कि फिल्म किसी का भाई किसी की जान को देखने में अपने पैसे बर्बाद न करें सनातन धर्म चर्चा में अक्सर इस बात का जिक्र आता है कि गीता का पहला और आखिरी श्लोक भी अगर कंथस्ट कर लिया जाए तो मनुष्य को निष्कपट निर्गुण और निरपेक्ष रहने की सीख मिल जाती है गीता का पहला श्लोक है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्रता युत्सवा माम कहा किम संजय इस पहले श्लोक में ही संघर्ष की पहली गलती बताई गई है और वह है अपने और पराये का भेद करना फिल्म किसी का भाई किसी की जान में सलमान खान इसी श्लोक इस का पर्दे पर जिस तरह उच्चारण दिखाते हैं वो देख हिंदी सिनेमा की दशा और दिशा दोनों तरफ तरस आता है यह दृश्य उनके किरदार भाईजान के गीता ज्ञान का है और भाईजान कितने निष्कपट होकर अपनी फिल्मों में लोगों को मौका देते हैं ये उनके तीनों भाइयों और घर की होने वाली तीनों बहुओं के चेहरे मोहरे देख बताया जा सकता है भाईजान फिल्म भारत के बाद यह भी बताने की कोशिश करते हैं कि इंसानियत धर्म जाति और वर्ण के भेद से ऊपर है और फिल्म खत्म होते समय जिस तरह से साईं बाबा की तर्ज पर सबका मालिक एक वाला पोज बनाते हैं जेब में पड़ी सारी रोजगारी वही लुटा देने का मन करता है बच्चन पांडे का दर्जा बढ़ाती फिल्म लेकिन यह फिल्म निर्देशक फरहाद शाम जी की है वह दिल्ली में भी पकौड़ियों के बजाय भजिया बेच सकते हैं वैसे गीता का श्लोक सलमान खान ने जिस अंदाज में पढ़ा है उसी को पता चलता है कि फिल्म मैंने प्यार किया से शुरू हुआ उसका सफ़र अब किस मोड़ पर आ पहुंचा है उनके आसपास एक भी इंसान ऐसा नहीं बचा है जो उनकी आंखों में आंखें डालकर कह सके कि भाई जान ये सब आप क्या कर रहे हैं सलमान खान का अपना प्रशंसक वर्ग है लेकिन यह प्रशंसक वर्ग उनकी रियासत नहीं है यह बात सलमान खान को समझने में अब काफ़ी देर हो चुकी है फिल्म भोला के बाद ये इस साल की दूसरी मेगा बजट हिंदी फिल्म है जो एक दक्षिण भारतीय फिल्म का रिमेक है और अपने लक्षित दर्शकों से पूरी तरह कटी हुई है तमिल फिल्म बीरम की हिंदी रिमेक किसी का भाई किसी की जान चार भाइयों उनकी चार प्रेमिकाओं मोहल्ले के चार बुजुर्गों और दक्षिण भारत के चार किरदारों की कहानी है कहानी देखकर लगता है कि सलमान खान ने सूरज बरजिया का नाम फिल्म के ट्रेलर लॉन्च में बिल्कुल सही लिया है भंसाली भी अब उनको याद आए थे लेकिन फिल्म यह बच्चन पांडे और पाप कौन निर्देशित करने वाले फरहा सामजी की है और फिल्म किसी का भाई किसी की जान देखने के बाद बच्चन पांडे भी एक बेहतर फिल्म लगने लगती है फिल्म किसी का भाई किसी की जान ईद पर रिलीज होने वाली सलमान खान की ऐसी चौथी फिल्म है जिसे देखने भले उनके प्रशंसक भरपूर संख्या में आए लेकिन उसने ईद का जश्न मनाने का मौका उनसे छीन लिया है पूरी फिल्म में सलमान खान ही सलमान खान छाए हुए हैं कभी लंबे बालों के साथ कभी मेहंदी रचे बालों के साथ कभी बिल्कुल टिंच बालों के साथ चेहरे को सुंदर दिखाने के लिए खूब फोटोशॉपिंग की गई है चाह आठ जो भी ऐप्स हों उनको दिखाने के लिए उनकी शर्ट भी हवा में उड़ती है लेकिन सुभाष घई की फिल्म युवराज की तरह बदलती उनकी इस छवियों को उनके किरदार की अहमियत को एक मजाक बनाकर रख दिया गया है सलमान के किरदार का कोई नाम नहीं है ना फर्स्ट नेम और ना ही सर नेम और इसे दर्शक समझ जाएं इसके लिए इसे फिल्म में कई बार दोहराया गया है उसने तीन अनाथ बच्चों को अपनी किशोरावस्था में पाला है और उन्हें दिल्ली में रहने के बावजूद भाई जी दद्दा दादा या भैया कहने के बाद अपने बड़े भाई को भाईजान कहना क्यों शुरू कर दिया फरहा सामजी ही बता सकते हैं कहानी का ट्रैक एक रियल लाइफ हीरो पर आधारित है लेकिन उस पर बात फिर कभी तीन भाइयों की तीन ऐसी प्रेमिकाएँ हैं जो कौन हैं कहाँ से आई हैं घर परिवार में उनके कौन कौन हैं किसी को नहीं पता बस वह कहानी में जब भी ज़रूरत होती है एक साथ फटाक से आ जाते हैं शक्लें इनकी ऐसी हैं कि सिर्फ सलमान खान को ही पसंद आ सकती हैं तीनों भाई भी कहानी को घटाने बढ़ाने में कोई मदद नहीं करते सतीश कौशिक तेज सप्रू और आसिफ शेख मोहल्ले के बुजुर्ग हैं और कहानी में जो फ्रहा शामजी शूट नहीं कर पाए उसे किस्सों के जरिए सुनाते हैं फ्लैशबैक की भरमार वाली फिल्म किसी का भाई किसी की जान की कहानी फरहहा सामजी ने अपनी अलग स्टाइल में कही है वह कहानी नहीं करते हैं बस दस बारा से सोचते हैं और फिर उनको आपस में जोड़ने के लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा लेते हैं यहाँ दिल्ली के बिल्डर का लालच हैदराबाद के कारोबारी की की दुश्मनी ये काम करते हैं फिल्म पटकथा ऐसी है कि सब कुछ पहले सीन में ही साफ हो जाता है कि आगे क्या होने वाला है जो काम सिनेमा हॉल में दर्शकों को करना चाहिए था वह फरहाद शाम अपनी फिल्म के मुख्य कलाकारों और सैकड़ों जूनियर कलाकारों से कराते हैं फिल्म वही सफल होती है जिसे हीरो की एंट्री पर दर्शक चिटिया बजायना किसी फिल्म के कलाकार खैर हिंदी सिनेमा के इतिहास में पूजा हेगड़े के साथ जी का नाम भी इसलिए याद रखा जाएगा कि उन्होंने चमकते सितारे को धूमकेतु में बदल देने की महारत कैसे हासिल की पूजा हेगड़े की हिंदी में 2016 से लेकर अब तक ये पांचवी फिल्म है ऋतिक रोशन अक्षय कुमार प्रभास और रणबीर सिंह के साथ अब सलमान खान एक आदत हिट फिल्म का इंतजार उनको अभी और करना है पर्दे पर अभिनय वह अच्छा करती हैं लेकिन पता नहीं क्यों पूरी फिल्म में यूँ लगता रहा कि उनकी डबिंग कहीं आलिया भट्ट ने तो नहीं की अभिनय तो वह पूरा का पूरा आलिया भट्ट की नकल करके ही करते दिखी हैं जो काम वह अपनी पिछली चार हिंदी फिल्मों के हीरो की ब्रांड वैल्यू के साथ कर चुकी हैं वही काम अब अपनी पाँचवीं हिंदी फिल्म में सलमान खान के साथ करती दिख रही हैं सत्तावन साल के सलमान खान से वह करीब पच्चीस साल छोटी हैं लेकिन उनका किरदार भाग्य फिल्म में पहली नजर में ही भाईजान से प्यार कर बैठता है सलमान खान के साथ अपना करियर शुरू करने वाले भागेश्वरी भी अपनी पहली फिल्म मैंने प्यार किया के गाने के साथ फिल्म में मौजूद हैं पति हिमालय दसानी भी हैं और बेटा अभिमन्यु भी भूमिका चावला को भाभी का किरदार मिला है फिल्म किसी का भाई किसी की जान के संवाद और भी अटपटे हैं सिनेमा के संवादों के लिए ज़रूरी है कि वह कहानी का असर दर्शकों पर डाल सके यह संवाद सहज तरीके से निकलने वाली बातचीत में चुपके से आने वाली गहरी बात से असर लगते हैं या फिर किसी किरदार का अपना एक स्टाइल भी बना सकते हैं हिंदी सिनेमा के दिग्गज लेखक सलीम खान के बेटे सलमान खान ने इस काम में भी अपना हुनर फिल्म की शूटिंग के दौरान दिखाया ही होगा लेकिन उनका पर्दे पर बोला गया हर संवाद बनावटी लगता है उनके किरदार

चौपट ही रहा फिल्म कितने चलताऊ अंदाज से बनी है इसका अंदाज़ा फिल्म के क्लाइमैक्स में होने वाली मारधाड़ को देख लगाया जा सकता है क्लोजअप साठ में सलमान खान के चेहरे के ऊपर फिसलता मुक्का इनके नकलीपन का एहसास दिलाने के लिए काफ़ी है हैरानी वाली बात यह भी है कि सलमान को देसी जॉन विक बनाने की कोशिश करते फिल्म किसी का भाई किसी की जान कहानी की कहानी दिल्ली से लेकर हैदराबाद तक घूमती रहती है और इसके बस एक ही दृश्यों में पुलिस दिखती है हरियाणी बोली वाले बिलन बने बिजेंद्र कुमार से लेकर हैदराबाद के गोखार बिलन के रूम में दिखे जगपति बाबू सब कैरिकेचर बन गए हैं और वेंकटेश के बारे में तो क्या ही कहें नेटफ्लिक्स की सीरीज राणा नायडू से उन्होंने अपने ब्रांडिंग का हाल वैसा ही कर लिया जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी का हाल हिंदी सिनेमा में सीक्रेट गेम्स ने कर रखा है किसी का भाई किसी की जान में भाईजान यानी सलमान खान शादी नहीं करने का फ़ैसला करता है क्योंकि वह नहीं चाहता कि कोई लड़की उससे उसके प्यारे भाईयों मोह यानी जस्सी गिल लव यानी सिद्धार्थ निगम और इश्क यानी राघव जुआल से अलग करे भाग्यलश्मी गुंडा ने यानी पूजा हेगड़े एक हैदराबादी किराएदार के रूप में भाईजान के घर में प्रवेश करती है और शादी के प्रति अपना दृष्टिकोण बदल देती है गुंडे उन पर हमला करते हैं और भाईजान को पता चलता है कि वे भाग्य के पीछे पड़े हैं भाग्य कौन है गुंडों ने भाग्य को मारने की कोशिश क्यों की अनन्या कौन है फिल्म के पास हैं सारे जवाब सलमान खान एक्शन से भरपूर इमोशनल ड्रामा किसी का भाई किसी की जान के साथ वापस आए हैं वह कुछ दृश्यों में अच्छे लगे हैं खासकर सिकंड हाव में वेंकी के साथ उनके संवाद और भावात्मक दृश्यों में उनका प्रदर्शन अच्छा है तेलुगु स्टार अभिनेता विजय वेंकटेश को एक भावपूर्ण भूमिका मिली है उनकी स्क्रीन बहुत उपस्थित बहुत अच्छी है और जैसा कि ऊपर कहा गया है सलमान खान के साथ उनके दृश्य आंखों को दावत देते हैं पूजा हेगड़े है खूबसूरत दिखती हैं और उनका प्रदर्शन प्रभावशाली है बाकी कास्ट ठीक है इमोशनल सीन ने काफी हद तक काम किया है मेट्रो की लड़ाई और वेंकी के घर के दृश्यों पर हमला करने वाले गुंडों को अच्छी तरह से कैद किया गया है प्रोडक्शन वैल्यू अच्छी है और बैकग्राउंड स्कोर भी अच्छा है हर कोई जानता है कि यह फिल्म तमिल ब्लॉकबस्टर वीरम जो कि 2014 में आई थी कि अधिकारी में एक है जिसे तेलुगु में कटमारायडू जो कि 2017 में आई थी और कन्नड़ में ओडया जो कि 2019 में आई थी के रूम में बनाया गया था हालांकि किसी के भाई किसी की जान की कहानी में थोड़ा बदलाव किया गया है एक अभिनेता के रूम में सलमान खान अच्छे हैं लेकिन अगर हम उनके स्टारडम पर विचार करें तो के के बी के जे के एक औसत दृश्य की फिल्म नहीं है यह स्पष्ट नहीं है कि सलमान ने उस स्क्रिप्ट को क्यों चुना जो तेलुगु और कन्नड़ में रीमेक होने पर पहले ही विफल हो गई थी कभी तो कोई सोचेगा कि यह सलमान खान की फिल्म है या वेंकी की कुछ ऐसे दृश्य हैं जो ऐसा महसूस कराते हैं Thank you. कहानी में नवीनता का अभाव है और कोई भी आसानी से पुरानी लिपि की भविष्यवाणी कर सकता है एक प्रेम दृश्य दो चेतावनी दृश्यों के बीच आता है और एक बिंदु पर दर्शक कहेंगे क्या हो रहा है दृश्यों के बीच कनेक्टिविटी अच्छी तरह से स्थापित नहीं है बदला लेने वाले प्रतिपक्षी जगपति बाबू को एक शक्तिशाली खलनायक के रूप में दिखाया जाना चाहिए था लेकिन उनकी हरकतें और डायलॉग्स हमें अस्सी के दशक के बिलन की याद दिलाते हैं साथ ही भूमिका चावला का अपनी फिल्म में कोई लेना देना नहीं है कुछ गाने सुनने में अच्छे होते हैं गाने के कुछ स्थान अनुपयुक्त हैं वे कहानी के लिए बाधाओं की तरह हैं चरमोत्कर्ष का हिस्सा इतना पुराना है कि निर्देशक इसे बेहतर ढंग से लिख और निष्पादित कर सकते हैं कोई सोचेगा कि फिल्म में ऐसे क्षण होंगे जो सीटी योग्य होंगे दुर्भाग्य से किसी का भाई किसी की जान में ऐसे कई पल नहीं हैं लेकिन उनके बजाय कुछ चेहरे के पल हैं फरहाद सामजी स्पर्श खेत्रपाल और ताशा भामरा ने पतकटा में कुछ बदलाव किए हैं और वह ठीक हैं हालांकि उन्हें सलमान के किरदार का ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए था क्योंकि उनके फैंस उनके कुछ खास की उम्मीद करते हैं निर्देशक फरहा आमजी किसी का भाई किसी की जान से एक बेहतर फिल्म बनाने में असफल रहे के जी प्रसिद्ध के रबी बसरूर द्वारा स्कोर कुछ भात्मक दृश्यों को बढ़ाता है बेमणिकंदन की सिनेमाटोग्राफी अच्छी है उत्पादन और बेहतर हो सकता था उत्पादन मूल्य काफी समृद्ध है कुल मिलाकर किसी का भाई किसी की जान की ईमानदार रिमेक नहीं है औसत दर्जे का प्लाट और पुराने दृश्य इसे उबाऊ बना देते हैं कुछ इमोशनल सीन और सलमान की परफॉर्मेंस के अलावा फिल्म में कुछ भी नया नहीं है आप इस फिल्म को छोड़ सकते हैं और इस सप्ताह के लिए बेहतर विकल्प ढूंढ सकते हैं किसी के भाई किसी का जान का दिन यानी सलमान खान का दिन करीब साढ़े तीन साल बाद किसी फुल फ्लैक् पिक्चर से सल्लू भाई ने वापसी की थी हालांकि ये फिल्म वापसी नहीं सिने प्रेमियों के लिए साफ सी है यह पिक्चर सिर्फ भाई के फैन ही देख सकते हैं क्योंकि और किसी के लिए भाईजान देखना महान खतरनाक काम हो सकता है आगे कई सारे स्पाइलर्स हो सकते हैं अपने रिस्क पर ही यह वीडियो देखें काहे कि दोस्ती बनी रहनी चाहिए चलिए आइए समीक्षा करते हैं मैं अक्सर रिव्यू में रेटिंग की बात आखिर में करता हूँ पर आज मैं सबसे पहले उसी की बात करूंगा क्योंकि बुरी बातें पहले बोल देनी चाहिए हालांकि इसमें अच्छी बातें तो हैं नहीं कोई नहीं सलमान खान के तीन भाई हैं लब इश्क और मोह लब बने हैं सिद्धार्थ निगम इश्क के रोल में हैं राघव जुएल और मोह का किरदार निभाया है जस्सी गिल ने भर भर के ओवर एक्टिंग ऐसा ही उनकी तीनों प्रेमिकाओं शहनाज गिल पलक तिवारी और बिनाली भटनागर के साथ है इतनी ओवर एक्टिंग आपको बीमार बहुत बीमार करने के लिए काफी है यदि ये लोग कोई कपड़ा होते इन्हें निचोड़ा जाता तो 500 लीटर वाले टंकी इनकी ओवर एक्टिंग की तरलता से भर जाती इन लोगों से अच्छी एक्टिंग तो सलमान खान ने की है ये मैं तब कह रहा हूं जब सलमान ने खुद खराब एक्टिंग की है फिल्म में उनके दो तीन इमोशनल सीन हैं वो रोते हैं तो आप में रोने की नहीं हंसने की इच्छा जागृत होती है भरोसा नहीं होता कि ये वही आदमी है जिसने बजरंगी भाईजान में काम किया था हालांकि ये वो आदमी भी है जिसने रेस थ्री में भी काम किया है पूजा हेगड़े ने अपने किरदार के साथ न्याय किया है उन्होंने दर्शकों पर अन्याय बिल्कुल नहीं किया है उनको फिल्म में स्क्रीन टाइम भी ठीक ठाक मिला है उनके भाई बने व्यकट टेस ने बढ़िया एक्टिंग की है उनके लिए ऐसे किरदार मक्खन की तरह हैं उनकी पत्नी बनी है भूमिका चावला उन्हें इतने सालों बाल देखना अच्छा लगा अभिमन्यु सिंह जैसे अच्छे एक्टर से भी फरहाद शाम बुरी एक्टिंग करवाने में कामयाब रहे हैं तो बॉक्सर विजेंद्र सिंह जी एक्टिंग करें तो बॉक्सर बिजेंद्र सिंह जी क्या ही एक्टिंग करेंगे सबसे बढ़िया काम है सतीश कौशिक का उनकी कॉमिक टाइमिंग कमाल की ही है बताने की ज़रूरत नहीं है यहाँ भी उन्होंने उसी का मुजाफिर पेश किया है अब जरा लिखाई बात पर कर लेते हैं माने क्या ही लिखा है भाई जब तुम्हें सच का पता चलेगा तो तुम सच सुन नहीं पाओगे अरे मैं नहीं कह रहा पिक्चर का डायलॉग है ऐसे भयानक क्रिंज डायलॉग की भर इसमें भरमार है सलमान खान खुद भी लिखते हैं तो इसे अच्छे स्क्रिप्ट लिखते बंदे मातरम लिखने वाले बंकिम चंद्र चटर्जी इस फिल्म को देखने कहते हैं ये धरती रहने के लायक नहीं बची है बात पर फिल्म में सुनने को मिलेगा इंसानियत में है दम बंदे मातरम ऊपर वाले में है बड़ा दम बंदे मातरम माने क्यों भाई हम पर करिए थोड़ा रहम बंदे मातरम भाईजान यानी सलमान खान अपना जीवन एक कुंवरे के रूप में जीने के लिए प्रतिबद्ध हैं ताकि वह अपने तीन छोटे भाइयों की देखभाल कर सके लेकिन जब एक खूबसूरत महिला उनके जीवन में आती है तो चीजें एक अप्रत्याशित मोड़ लेती हैं इस भाई की जान उसके भाई हैं और वह उनकी परम प्राथमिकता है जबकि उन्हें भाग्य लक्ष्मी यानी पूजा हेगड़े आती है।, जो ना केवल बिल में फिट है बल्कि अपना नाम भाईजान की लंबे समय से चली आ रही पूर्व प्रेम का के साथ साझा करती है लेकिन यह पेच है यह मैच जितना दिखता है उससे कहीं अधिक जटिल है क्योंकि भाग्य के हैदराबादी परिवार का एक रहस्यमय और काला अतीत है यह एक बहुत पतला कथानक है जो बहुत कुछ हासिल करने की कोशिश करता है लेकिन वास्तव में जगह नहीं बना पाता है निर्देशक और सहलेखक फ्रहा स्थिति की झलक दिखाती है पहला भाग ऐसे दृश्यों के साथ आपके धैर्य की परीक्षा लेता है तो मजे जो मजेदार होने का इरादा रखते हैं लेकिन है नहीं रोजदार प्रदर्शन ज्यादा मदद नहीं करते हैं इंट्रोल तक कहानी शुरू नहीं होती तीन भाइयों लव यानी सिद्धार्थ

में बिना किसी मौलिक को जोड़े कथा को भीड़ देते हैं कम से औसत साउंड ट्रैक रन टाइम के एक के बाद एक भूलने योग्य संख्या जोड़ता है बचत की बात यह है कि उन्हें अच्छी तरह से चित्रित किया गया है और वह दृष्टगोण और वे दस्तगर रूप से समृद्ध हैं उनमें से नयो लगदा हिमेश रशमिया द्वारा रचित है सबसे अलग है बैकग्राउंड स्कोर जो कि रस रब भसरूर ने लिखा है थोड़ा कम इग्नोर करने वाला हो सकता था और फिल्म को थोड़ा और एडिट किया जा सकता था भाईजान के किरदार को मनमोहक बनाने के लिए सलमान खान अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं और वह इसमें सफल भी होते हैं अभिनेता अभी भी एक एक्शन हीरो के रूप में एक पंच पैक करता है और अपने महिला प्रेम के साथ नासमझ और मनमोहक मीठी बातों का आदान प्रदान करने का आकर्षण रखता है इस बार भाई कुछ चुटकुले खुद पर भी लेते हैं इस बार भाई कुछ चुटकुले खुद पर भी लेते हैं और ये फिल्म के कुछ हंसे मजाक के पल हैं यह स्टाइलिश एक्शन यानी ए एन एल आर एस द्वारा है जो इस फिल्म को एक हद तक बनाता है पहले कभी नहीं देखे गए स्टाइल वाले स्टंट के साथ प्रत्येक सीक्वेंस को बहुत अच्छी तरह से कोरियोग्राफ किया गया है दक्षिण के सुपरस्टार वेंकटेश और सलमान अपने भारी भर कम दृश्यों के साथ उच्च प्रभाव पैदा करने के लिए सभी पड़ाव पार करते हैं वेंकटेश जो कि गुंडा मनन्नी के रूप में हैं एक परिवार के मुखिया के अपने चरित्र को महत्व देते हैं जो अपने प्रियजनों को सुरक्षित रखने के लिए जो कुछ भी करना होगा वह करेगा पूजा हेगड़े की भावपूर्ण भूमिका है जिसे ने आत्मविश्वास से निभाया है लेकिन ओवर द टॉप फिल्मी हरकतों को डायल कर सकते थे अन्य तीन अभिनेत्रियों का उपयोग केवल रंगमंच की सामग्री के रूप में किया जाता है जिसमें प्रदर्शन करने की बहुत कम गुंजाइश होती है लड़के औसत से कम प्रदर्शन देते हैं हैं जो शून्य दृढ़ विश्वास के साथ लिखे जाते खलनायकों में तेलुगु अभिनेता जगपति बाबू प्रभावशाली हैं सलमान खान अभिनेता फिल्म एक बार फिर उनके कट्टर प्रशंसकों के लिए खेल रही है यह क्रूर हिंसा और ढेर सारे ड्रामा के साथ लार्जर देन लाइफ एक्शन है समस्या यह है कि यह केवल संक्षेप में मनोरंजन करता है बहुत सारे पात्र एक अप्रभावी शांत ट्रैक और सबसे कमजोर पटकथा जो सलमान खान की स्टार पावर से मेल नहीं खाती जो फिल्म को निराश करती है हालांकि भाई के प्रशंसक उन्हें अंत तक खलनायकों को पीटते देखने के लिए उत्सुक हैं और हाँ जरा रुकिए, शर्टलेस होने का वो पल भी आता है जो आपको हैरान कर देता है बॉलीवुड में साउथ फिल्मों की रिमेक बनाने का ट्रेंड काफी पुराना है लेकिन तब कम ही दर्शकों को पता होता था कि फला बॉलीवुड फिल्म किस साउथ फिल्म की, की रीमेक है साथ ही तब साउथ फिल्मों के हिंदी वर्जन भी उपलब्ध नहीं होते थे लेकिन कोरोना के दौरान दर्शकों ने ओ और यूट्यूब पर जमकर साउथ सिनेमा की हिंदी में डब फिल्में देखी ऐसे में अब उन्हें साउथ की हिंदी रीमेक की रिलीज से पहले ही पता होता है कि वह किस साउथ फिल्म की रीमेक है सलमान खान की ईद के मौके पर रिलीज किसी का भाई किसी की जान साल दो में आई तमिल सुपरस्टार अजीत कुमार की फिल्म वीरम की रीमेक है इस फिल्म के नाम की तरह इसके बनने की कहानी भी काफ़ी दिलचस्प है डायरेक्टर फरहाद सामजी बीरम को हिंदी में बच्चन पांडे के नाम से अक्षय कुमार के साथ बनाना चाहते थे लेकिन बाद में उन्होंने एक दूसरी तमिल फिल्म जिगर ठंडा पर बच्चन पांडे बनाई जो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही फिर फरहाद सामजी ने बीरम की स्क्रिप्ट सलमान को दिखाई जो उन्हें इतनी पसंद आई कि उन्होंने इस पर कभी ईद कभी दिवाली टाइटल से फिल्म घोषित कर दी जो कि आखिरकार अब किसी का भाई किसी की जान के नाम से रिलीज हुई है फिल्म की कहानी वही है जो कि अजीत कुमार की फिल्म बीरम की है भाईजान यानी सलमान खान ने अपने तीन छोटे भाइयों की जिम्मेदारी के कारण शादी नहीं की दरअसल भाईजान ने तीन अनाथ बच्चों को अपना भाई बनाकर पाला था अब भाईजान अपनी और अपने भाइयों की शादी के भी खिलाफ हैं ताकि उन भाइयों के बीच कोई और ना आए लेकिन भाईजान के छोटे भाई उनकी शादी करवाना चाहते हैं ताकि वो अपनी प्रेम के साथ घर बसा सके इसके लिए वह तमाम जुगत लगाते हैं एक दिन भाईजान के लाइफ में हैदराबाद से आई भागी यानी पूजा हेगड़े की एंट्री होती है भागी को भाईजान पसंद जाते हैं लेकिन भाईजान उससे दूर भागते हैं हालांकि धीरे धीरे वह उससे चाहने लगते हैं एक दिन उन्हें पता लगता है कि भाग्य लक्ष्मी के बड़े भाई अन्य वेंकटेश दगुबाती परेशानी में हैं। फिर भाईजान अपने भाइयों के साथ भाग्य लक्ष्मी की फैमिली की मदद के लिए पहुंच जाते हैं क्या भाईजान और भाग्य लक्ष्मी का मिलन हो पाता है यही इस फिल्म में आगे दिखाया गया है फिल्म के डायरेक्टर फरहा सामजी ने 10 साल पुरानी कहानी पर बेहद कमजोर स्क्रिप्ट के साथ यह फिल्म बनाई है महज ढाई घंटे से कम समय की फिल्म में उन्होंने इतने सारे मसाले डाल दिए हैं कि उन्हें समेटना खुद फरहाद के लिए मुश्किल हो गया है बेशक इस फिल्म की तुलना अजीत कुमार की भीरम से होगी बिरम की कहानी कसी हुई थी और उसमें बहुत ज़्यादा ड्रामा भी नहीं था लेकिन यहाँ पर सलमान ने फिल्म में भारी भरकम स्टारकास्ट जोड़ ली है जो कि कई बार बोझिल हो जाती है एंट्रोल से पहले तक किसी का भाई किसी की जान की कहानी पूरी रफ्तार नहीं नहीं पकड़ती है, जबकि एंट्रोल के बाद भी यह आपको खास जमती अंदाज में थरक नजर आते हैं फिल्म का नै लगदा और बिल्ली बिल्ली गाना जरूर हिट है लेकिन बाकी गाने नहीं जमते सलमान ने फिल्म में अपने चिर परिचित अंदाज के मुताबिक ओवर एक्टिंग की है वही पूजा हेगले एक बार फिर बॉलीवुड में एक अदद हिट के लिए स्ट्रगल करती नजर आती हैं हालांकि वेंकटेश और जगपति बाबू जरूर अपने रोल में जमे हैं बाकी कलाकारों के पास फिल्म में करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था अगर आप सलमान खान के बड़े वाले फैन नहीं हैं तो बेहतर होगा कि फिल्म किसी का भाई किसी की जान को देखने में अपने पैसे बर्बाद ना करें सनातन धर्म चर्चा में अक्सर इस बात का जिक्र आता है कि गीता का पहला और आखिरी श्लोक भी अगर कंथस्ट कर लिया जाए तो मनुष्य को निष्कपट निर्गुण और निरपेक्ष रहने की सीख मिल जाती है गीता का पहला श्लोक है धर्म क्षेत्रे कुक्षेत्रेय सामुहेता युत्सवा मामक किम कुरुवत संजय इस पहले श्लोक में ही संघर्ष की पहली गलती बताई गई है और वह है अपने और पराये का भेद करना फिल्म किसी का भाई किसी की जान में सलमान खान इसी श्लोक का पर्दे पर जिस तरह उच्चारण दिखाते हैं वो देख हिंदी सिनेमा की दशा और दिशा दोनों तरफ तरस आता है यह दृश्य उनके किरदार भाईजान के गीता ज्ञान का है और भाईजान कितने निष्कपट होकर अपनी फिल्मों में लोगों को मौका देते हैं ये उनके तीनों भाइयों और घर की होने वाली तीनों बहुओं के चेहरे मोहरे देख बताया जा सकता है भाईजान फिल्म भारत के बाद यह भी बताने की कोशिश करते हैं कि इंसानियत धर्म जाति और वर्ण के भेद से ऊपर है और फिल्म खत्म होते समय जिस तरह से साईं बाबा की तर्ज पर सबका मालिक एक वाला पोज बनाते हैं जेब में पड़ी सारी रोजगारी वही लुटा देने का मन करता है बच्चन पांडे का दर्जा बढ़ाती फिल्म लेकिन यह फिल्म निर्देशक फरहाद शाम जी की है वह दिल्ली में भी पकौड़ियों के बजाय भजिया बेच सकते हैं वैसे गीता का श्लोक सलमान खान ने जिस अंदाज में पढ़ा है उसी को पता चलता है कि फिल्म मैंने प्यार किया से शुरू हुआ उसका सफ़र अब किस मोड़ पर आ पहुंचा है उनके आसपास एक भी इंसान ऐसा नहीं बचा है जो उनकी आंखों में आंखें डालकर कह सके कि भाई जान ये सब आप क्या कर रहे हैं सलमान खान का अपना प्रशंसक वर्ग है लेकिन ये प्रशंसक वर्ग उनकी रियासत नहीं है यह बात सलमान खान को समझने में अब काफ़ी देर हो चुकी है फिल्म भोला के बाद ये इस साल की दूसरी मेगा बजट हिंदी फिल्म है जो एक दक्षिण भारतीय फिल्म का रिमेक है और अपने लक्षित दर्शकों से पूरी तरह कटी हुई है तमिल फिल्म भीरम की हिंदी रिमेक किसी का भाई किसी की जान चार भाइयों उनकी चार प्रेमिकाओं मोहल्ले के चार बुजुर्गों और दक्षिण भारत के चार किरदारों की कहानी है कहानी देखकर लगता है कि सलमान खान ने सूरज बरजाता का नाम फिल्म के ट्रेलर लॉन्च में बिल्कुल सही लिया है भंसाली भी अब उनको याद आए थे लेकिन फिल्म यह बच्चन पांडे और पाप कौन निर्देशित करने वाले फराह सामजी की है और फिल्म किसी का भाई किसी की जान देखने के बाद बच्चन पांडे भी एक बेहतर फिल्म लगने लगती है फिल्म किसी का भाई किसी की जान ईद पर रिलीज होने वाली सलमान खान की ऐसी चौथी फिल्म है जिसे देखने भले उनके प्रशंसक भरपूर संख्या में आए लेकिन उसने ईद का जश्न मनाने का मौका उनसे छीन लिया है पूरी फिल्म में सलमान खान ही सलमान खान छाए हुए हैं कभी लंबे बालों के साथ कभी मेहंदी रचे बालों के साथ कभी बिल्कुल टिंच बालों के साथ चेहरे को सुंदर दिखाने के लिए खूब फोटोशॉपिंग की गई है चाह या आठ जो भी ऐप्स हों उनको दिखाने के लिए उनकी शर्ट भी हवा में उड़ती है लेकिन सुभाष घई की फिल्म युवराज की तरह बदलती उनकी इस छवियों को उनके किरदार की अहमियत को एक मजाक बनाकर रख दिया गया है सलमान के किरदार का कोई नाम नहीं है ना फर्स्ट नेम और ना ही सरनेम और इसे दर्शक समझ जाएं इसके लिए इसे फिल्म में कई बार दोहराया गया है उसने तीन अनाथ बच्चों को अपनी किशोरावस्था में पाला है और उन्हें दिल्ली में रहने के बावजूद भाई जी दद्दा दादा या भैया कहने के बाद अपने बड़े भाई को भाईजान कहना क्यों शुरू कर दिया फरहा शाम जी ही बता सकते हैं कहानी का ट्रैक एक रियल लाइफ हीरो पर आधारित है लेकिन उस पर बात फिर कभी तीन भाइयों की तीन ऐसी प्रेमिकाएँ हैं जो कौन हैं कहाँ से आई हैं घर परिवार में उनके कौन कौन हैं किसी को नहीं पता बस वह कहानी में जब भी जरूरत होती है एक साथ फटाक से आ जाते हैं शक्लें इनकी ऐसी हैं कि सिर्फ सलमान खान को ही पसंद आ सकती हैं तीनों भाई भी कहानी को घटाने बढ़ाने में कोई मदद नहीं करते सतीश कौशिक तेज सप्रू और आसिफ शेख मोहल्ले के बुजुर्ग हैं और कहानी में जो फरहा शाम शूट नहीं कर पाए उसे किस्सों के जरिए सुनाते हैं फ्लैशबैक की भरमार वाली फिल्म किसी का भाई किसी की जान की कहानी फ्रहा सामजी ने अपनी अलग स्टाइल में कही है वह कहानी नहीं करते हैं बस दस से सोचते हैं और फिर उनको आपस में जोड़ने के लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा लेते हैं यहां दिल्ली के बिल्डर का लालच हैदराबाद के कारोबारी की दुश्मनी ये काम करते हैं फिल्म की पटकथा ऐसी है कि सब कुछ पहले सीन में ही साफ हो जाता है कि आगे क्या होने वाला है जो काम सिनेमा हॉल में दर्शकों को करना चाहिए था वह फरहाद शाम जी अपनी फिल्म के मुख्य कलाकारों और सैकड़ों जूनियर कलाकारों से कराते हैं फिल्म वही सफल होती है जिसे हीरो की एंट्री पर दर्शक चिटिया बजाए ना किसी फिल्म के कलाकार खैर हिंदी सिनेमा के इतिहास में पूजा हेगड़े के साथ जी का नाम भी इसलिए याद रखा जाएगा कि उन्होंने चमकते सितारे को धूमकेतु में बदल देने की महारत कैसे हासिल की पूजा हेगड़े की हिंदी में 2016 से लेकर अब तक ये पांचवी फिल्म है ऋतिक रोशन अक्षय कुमार प्रभास और रणबीर सिंह के साथ अब सलमान खान एक आदत हिट फिल्म का इंतजार उनको अभी और करना है पर्दे पर अभिनय वह अच्छा करती हैं लेकिन पता नहीं क्यों पूरी फिल्म में यूँ लगता रहा कि उनकी डबिंग कहीं आलिया भट्ट ने तो नहीं की अभिनय तो वह पूरा पूरा का पूरा आलिया भट्ट की नकल करके ही करते दिखी हैं जो काम वह अपनी पिछली चार हिंदी फिल्मों के हीरो की ब्रांड वैल्यू के साथ कर चुकी हैं वही काम अब अपनी पांचवी हिंदी फिल्म में सलमान खान के साथ करती दिख रही हैं सत्तावन साल के सलमान खान से वह करीब पच्चीस साल छोटी हैं लेकिन उनका किरदार भागी फिल्म में पहली नजर में ही भाईजान से प्यार कर बैठता है खान के साथ अपना करियर शुरू करने वाले भागेश्वरी भी अपनी पहली फिल्म मैंने प्यार किया के कि गाने के साथ फिल्म में मौजूद हैं पति हिमालय दसानी भी हैं और बेटा अभिमन्यु भी भूमिका चावला को भाभी का किरदार मिला है फिल्म किसी का भाई किसी की जान के संवाद और भी अटपटे हैं सिनेमा के संवादों के लिए जरूरी है कि वह कहानी का असर दर्शकों पर डाल सके यह संवाद सहज तरीके से निकलने वाली बातचीत में चुपके से आने वाली गहरी बात से असर लगते हैं या फिर किसी किरदार का अपना एक स्टाइल भी बना सकते हैं हिंदी सिनेमा के दिग्गज लेखक सलीम खान के बेटे सलमान खान ने इस काम में भी अपना हुनर फिल्म की शूटिंग के दौरान दिखाया ही होगा लेकिन उनका पर्दे पर बोला गया हर संवाद बनावटी लगता है उनके किरदार चौपाई में बढ़ने लगे हैं और सिनेटोग्राफर भी को एक और सबसे ज्यादा परेशान करने वाला पहलू है दिव्य ज्ञान कहां से हासिल हुआ कि शोर ही संगीत है उन्होंने पूरी फिल्म को ट्रेलर समझकर इसका संगीत रचा है उम्मीद थी कि इस फिल्म के गानों में इसकी कसर पूरी होगी लेकिन वहां भी मामला चौपट ही रहा फिल्म कितने चलताऊ अंदाज से बनी है इसका अंदाज़ा फिल्म के क्लाइमैक्स में होने वाली मारधाड़ को देखकर लगाया जा सकता है क्रोजअब साठ में सलमान खान के चेहरे के ऊपर फिसलता मुक्का इनके नकलीपन का एहसास दिलाने के लिए काफ़ी है हैरानी वाली बात यह भी है कि सलमान को देसी जॉन विक बनाने की कोशिश करते फिल्म किसी का भाई किसी की जान कहानी की कहानी दिल्ली से लेकर हैदराबाद तक घूमती रहती है और इसके बस एक ही दृश्यों में ही पुलिस दिखती है हरियाणी बोली वाले बिलन बने बिजेंद्र कुमार से लेकर हैदराबाद के खोखार बिलन के रूम में दिखे जगपति बाबू सब कैरिचर बन गए हैं और वेंकटेश के बारे में तो क्या ही कहें नेटफ्लिक्स की सीरीज राडा नायडो से उन्होंने अपने ब्रांडिंग का हाल वैसा ही कर लिया जैसा नवाजुद्दीन सिद्दीकी का हाल हिंदी सिनेमा में सीक्रेट गेम्स ने कर रखा है किसी का भाई किसी की जान में भाई जान यानी सलमान खान शादी नहीं करने का फैसला करता है क्योंकि वह नहीं चाहता कि कोई लड़की उससे उसके प्यारे भाइयों मोह यानी जसी गिल लव यानी सिद्धार्थ निगम और इश्क यानी राघो जैल से अलग करे भाग्यलक्ष्मी गुंडा ने यानी पूजा हेगड़े एक हैदराबादी किराएदार के रूप में भाईजान के घर में प्रवेश करती है और शादी के प्रति अपना दृष्टिकोण बदल देती है गुंडे उन पर हमला करते हैं और भाईजान को पता चलता है कि वे भाग्य के पीछे पड़े हैं भाग्य कौन है गुंडों ने भाग्य को मारने की कोशिश क्यों की अनन्या कौन है फिल्म के पास है सारे जवाब सलमान खान एक्शन से भरपूर इमोशनल ड्रामा किसी का भाई किसी की जान के साथ वापस आए हैं वह कुछ दृश्यों में अच्छे लगे हैं खासकर शिकंडहा में वेंकी के साथ उनके संवाद और भावात्मक दृश्यों में उनका प्रदर्शन अच्छा है तेलुगु स्टार अभिनेता विजय वेंकटेश को एक भावपूर्ण भूमिका मिली है उनकी स्क्रीन बहुत उपस्थित बहुत अच्छी है और जैसा कि ऊपर कहा गया है सलमान खान के साथ उनके दृश्य आंखों को दावत देते हैं पूजा हेगड़े है खूबसूरत दिखती हैं और उनका प्रदर्शन प्रभावशाली है बाकी कास्ट ठीक है इमोशनल सीन ने काफी हद तक काम किया है मेट्रो की लड़ाई और वेंकी के घर के दृश्यों पर हमला करने वाले गुंडों को अच्छी तरह से कैद किया गया है प्रोडक्शन वैल्यू अच्छी है और बैकग्राउंड स्कोर भी अच्छा है हर कोई जानता है कि यह फिल्म तमिल ब्लॉकबस्टर वीरम जो कि 2014 में आई थी कि आधिकारिक में एक है जिसे तेलुगु में कटमारायडू जो कि 2017 में आई थी और कन्नड़ में ओडे जो कि 2019 में आई थी के रूम में बनाया गया था हालांकि किसी का भाई किसी की जान की कहानी में थोड़ा बदलाव किया गया है एक अभिनेता के रूम में सलमान खान अच्छे हैं लेकिन अगर हम उनके स्टारडम पर विचार करें तो के के बीके जे के एक औसत दर्शक की फिल्म नहीं है यह स्पष्ट नहीं है कि सलमान ने उस स्क्रिप्ट को क्यों चुना जो तेलुगु और कन्नड़ में रीमेक होने पर पहले ही विफल हो गई थी कभी तो कोई सोचेगा कि यह सलमान खान की फिल्म है या वेंकी की कुछ ऐसे दृश्य हैं जो ऐसा

कुछ गाने सुनने में अच्छे होते हैं गाने के कुछ स्थान अनुपयुक्त हैं वे कहानी के लिए बाधाओं की तरह हैं चरमोत्कर्ष का हिस्सा इतना पुराना है कि निर्देशक इसे बेहतर ढंग से लिख और निष्पादित कर सकते हैं कोई सोचेगा कि फिल्म में ऐसे क्षण होंगे जो सीटी योग्य होंगे दुर्भाग्य से किसी का भाई किसी की जान में ऐसे कई पल नहीं हैं लेकिन उनके बजाय कुछ चेहरे के पल हैं फरहा सामजी स्पर्श क्षेत्रपाल और ताशा भामरा ने पतकटा में कुछ बदलाव किए हैं और वह ठीक हैं हालांकि उन्हें सलमान के किरदार का ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए था क्योंकि उनके फैंस उनके कुछ खास की उम्मीद करते हैं निर्देशक फरहा शाम जी किसी का भाई किसी की जान से एक बेहतर फिल्म बनाने में असफल रहे के जी एफ प्रसिद्ध के रबी बसरूर द्वारा स्कोर कुछ बहुत दृश्यों को बढ़ाता है बेमणिकंदन की सिनेमाटोग्राफी अच्छी है उत्पादन और बेहतर हो सकता था उत्पादन मूल्य काफ़ी समृद्ध है कुल मिलाकर किसी का भाई किसी की जान

सिने प्रेमियों के लिए साफ सी है ये पिक्चर सिर्फ भाई के फैन ही देख सकते हैं क्योंकि और किसी के लिए भाईजान देखना महान खतरनाक काम हो सकता है आगे कई सारे स्पाइलर्स हो सकते हैं अपने रिस्क पर ही यह वीडियो देखें काहे कि दोस्ती बनी रहनी चाहिए चलिए आइए समीक्षा करते हैं मैं अक्सर रिव्यू में रेटिंग की बात आखिर में करता हूँ पर आज मैं सबसे पहले उसी की बात करूंगा क्योंकि बुरी बातें पहले बोल देनी चाहिए हालांकि इसमें अच्छी बातें तो हैं नहीं कोई नहीं सलमान खान के तीन भाई हैं लव इश्क और मोह लब बने हैं सिद्धार्थ निगम इश्क के रोल में हैं राघव जुएल और मोह का किरदार निभाया है जस्सी गिल ने भर भर के ओवर एक्टिंग ऐसा ही उनकी तीनों प्रेमिकाओं शहनाज गिल पलक तिवारी और बिना भटनागर के साथ है इतनी ओवर एक्टिंग आपको बीमार बहुत बीमार करने के लिए काफ़ी है यदि ये लोग कोई कपड़ा होते इन्हें निचोड़ा जाता तो 500 लीटर वाली टंकी इनकी ओवर एक्टिंग की तरलता से भर जाती इन लोगों से अच्छी एक्टिंग तो सलमान खान ने की है ये मैं तब कह रहा हूँ जब सलमान ने खुद खराब एक्टिंग की है फिल्म में उनके दो तीन इमोशनल सीन हैं वो रोते हैं तो आप में रोने की नहीं हंसने की इच्छा जागृत होती है भरोसा नहीं होता कि यह वही आदमी है जिसने बजरंगी भाईजान में काम किया था हालांकि वो आदमी भी है जिसने रेस रेस्थ्री में भी काम किया है पूजा हेगड़े ने अपने किरदार के साथ न्याय किया है उन्होंने दर्शकों पर अन्याय बिल्कुल नहीं किया है उनको फिल्म में स्क्रीन टाइम भी ठीक ठाक मिला है उनके भाई बने वेंकटेश ने बढ़िया एक्टिंग की है उनके लिए ऐसे किरदार मक्खन की तरह हैं उनकी पत्नी बनी है भूमिका चावला उन्हें इतने सालों बाल देखना अच्छा लगा अभिमन्यु सिंह जैसे अच्छे एक्टर से भी फरहाद शाम जी बुरी एक्टिंग करवाने में कामयाब रहे हैं तो बॉक्सर बिजेंदर सिंह जी एक्टिंग करें तो बॉक्सर बिजेंदर सिंह जी क्या ही एक्टिंग करेंगे सबसे बढ़िया काम है सतीश कौशिक का उनकी कॉमिक टाइमिंग कमाल की ही है बताने की ज़रूरत नहीं है यहाँ भी उन्होंने उसी का मुसाफिर पेश किया है अब जरा लिखाई बात पर कर लेते हैं माने क्या ही लिखा है भाई जब तुम्हें सच का पता चलेगा तो तुम सच सुन नहीं पाओगे अरे मैं नहीं कह रहा पिक्चर का डायलॉग है ऐसे भयानक क्रिंज डायलॉग की इसमें भरमार है सलमान खान खुद भी लिखते हैं तो इसे अच्छे स्क्रिप्ट लिखते बंदे मातरम लिखने वाले बंकिम चटर्जी इस फिल्म को देखने कहते हैं धरती रहने के लायक नहीं बची है बात पर फिल्म में सुनने को मिलेगा इंसानियत में है दम बंदे मातरम ओपर वाले में है बड़ा दम बंदे मातरम माने क्यों भाई हम पर करिए थोड़ा रहम बंदे मातरम भाईजान यानी सलमान खान अपना जीवन एक कुंवरे के रूप में जीने के लिए प्रतिबद्ध हैं ताकि वह अपने तीन छोटे भाइयों की देखभाल कर सके लेकिन जब एक खूबसूरत महिला उनके जीवन में आती है तो चीजें एक अप्रत्याशित मोड़ लेती हैं। इस भाई की जान उसके भाई हैं।

काला अतीत है यह एक बहुत पतला कथानक है जो बहुत कुछ हासिल करने की कोशिश करता है लेकिन वास्तव में जगह नहीं बना पाता है निर्देशक और सहलेखक फ्रहा सामजे की कहानी बहुत सारे खूनी एक्शन के साथ तर्क और समान स्थिति की झलक दिखाती हैं पहला भाग ऐसे दृश्यों के साथ आपके धैर्य की परीक्षा लेता है तो मजे जो मज़ेदार होने का इरादा रखते हैं लेकिन है नहीं रोजदार प्रदर्शन ज्यादा मदद नहीं करते हैं इंट्रोल तक कहानी शुरू नहीं होती तीन भाइयों लव या निष्ठदार्थ निगम राघव गल और मोहनी गिल और उनके प्रेम का तिवारी के बीच के रोमांटिक और, और बीच की शुरू में कुछ हिचकिचाहट का सामना करती है लेकिन रास्ते में गर्म हो जाती है शाम जी अपनी पटकथा को बहुत सारे पात्रों के साथ व्यस्त रखते हैं और उन्हें बाहर निकालने की ज्यादा परवाह नहीं करते वह मनोरंजन या उनके प्रदर्शन के में बिना किसी मूल्य को जोड़े कथा को भीड़ देते हैं कम से औसत साउंड ट्रैक रन टाइम के एक के बाद एक भूलने योग्य संख्या जोड़ता है बचत की बात यह है कि उन्हें अच्छी तरह से चित्रित किया गया है और वह दस्टगोण और वे रूप से समृद्ध हैं उनमें से नै लगदा हिमेश रशमिया द्वारा रचित है सबसे अलग है बैकग्राउंड स्कोर जो कि रस रब भसरूर ने लिखा है थोड़ा कम इग्नोर करने वाला हो सकता था और फिल्म को थोड़ा और एडिट किया जा सकता था भाईजान के किरदार को मनमोहक बनाने के लिए सलमान खान अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं और वह इसमें सफल भी होते हैं अभिनेता अभी भी एक एक्शन हीरो के रूप में एक पंच पैक करता है और अपने महिला प्रेम के साथ न समझ और मनमोहक मीठी बातों का आदान प्रदान करने का आकर्षण रखता है इस बार भाई कुछ चुटकुले खुद पर भी लेते हैं इस बार भाई कुछ चुटकुले खुद पर भी लेते हैं और ये फिल्म के कुछ हंसी मजाक के पल हैं यह स्टाइलिश एक्शन यानी ए एन एल आर एस द्वारा है जो इस फिल्म को एक हद तक बनाता है पहले कभी नहीं देखे गए स्टाइल वाले स्टंट के साथ प्रत्येक सीक्वेंस को बहुत अच्छी तरह से कोरियोग्राफ किया गया है दक्षिण के सुपरस्टार स्टार वेंकटेश और सलमान अपने भारी भरकम एक्शन दृश्यों के साथ उच्च प्रभाव पैदा करने के लिए सभी पड़ाव पार करते हैं वेंकटेश जो कि गुंडा मनिनी के रूप में हैं एक परिवार के मुखिया के अपने चरित्र को महत्व देते हैं जो अपने प्रियजनों को सुरक्षित रखने के लिए जो कुछ भी करना होगा वह करेगा पूजा

हिंसा और ढेर सारे ड्रामा के साथ लार्जन देन लाइफ एक्शन है समस्या यह है कि यह केवल संक्षेप में मनोरंजन करता है बहुत सारे पात्र एक अप्रभावी शांत ट्रैक और सबसे कमजोर पटकथा जो सलमान खान की स्टार पावर से मेल नहीं खाती जो फिल्म को निराश करती है हालांकि भाई के प्रशंसक उन्हें अंत तक खलनायकों को पीटते देखने के लिए उत्सुक हैं और हाँ जरा रुकिए शर्टलेस होने का वो पल भी आता है जो आपको हैरान कर देता है बॉलीवुड में साउथ फिल्मों की रीमेक बनाने का ट्रेंड काफ़ी पुराना है लेकिन तब कम ही दर्शकों को पता होता था कि फला बॉलीवुड फिल्म किस साउथ फिल्म की, की रीमेक है साथ ही तब साउथ फिल्मों के हिंदी वर्जन भी उपलब्ध नहीं होते थे लेकिन कोरोना के दौरान दर्शकों ने ओ और यूट्यूब पर जमकर साउथ सिनेमा की हिंदी में डब फिल्में देखी ऐसे में अब उन्हें साउथ की हिंदी रीमेक की रिलीज से पहले ही पता होता है कि वह किस साउथ फिल्म की रीमेक है सलमान खान की ईद के मौके पर रिलीज किसी का भाई किसी की जान साल दो में आई तमिल सुपरस्टार अजीत कुमार की फिल्म वीरम की रीमेक है इस फिल्म के नाम की तरह इसके बनने की कहानी भी काफ़ी दिलचस्प है डायरेक्टर फरहाद सामजी बीरम को हिंदी में बच्चन पांडे के नाम से अक्षय कुमार के साथ बनाना चाहते थे लेकिन बाद में उन्होंने एक दूसरी तमिल फिल्म जिगर ठंडा पर बच्चन पांडे बनाई जो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही फिर फरहाद सामजी ने बीरम की स्क्रिप्ट सलमान को दिखाई जो उन्हें इतनी पसंद आई कि उन्होंने इस पर कभी ईद कभी दिवाली टाइटल से फिल्म घोषित कर दी जो कि आखिरकार अब किसी का भाई किसी की जान के नाम से रिलीज हुई है फिल्म की कहानी वही है जो कि अजीत कुमार की फिल्म बीरम की है भाईजान यानी सलमान खान ने अपने तीन छोटे भाइयों की जिम्मेदारी के कारण शादी नहीं की दरअसल भाईजान ने तीन अनाथ बच्चों को अपना भाई बनाकर पाला था अब भाईजान अपनी और अपने भाइयों की शादी के भी खिलाफ हैं ताकि उन भाइयों के बीच कोई और ना आए लेकिन भाईजान के छोटे भाई उनकी शादी करवाना चाहते हैं ताकि वो अपने प्रेमिकाओं के साथ घर बसा सके इसके लिए वे तमाम जुगत लगाते हैं एक दिन भाईजान के लाइफ में हैदराबाद से आई भागी यानी पूजा हेगड़े की एंट्री होती है भागी को भाईजान पसंद जाते हैं लेकिन भाई जान उससे दूर भागते हैं हालांकि धीरे धीरे वह उससे चाहने लगते हैं एक दिन उन्हें पता लगता है कि भाग्य लक्ष्मी के बड़े भाई अन्य वेंकटेश दगुबाती परेशानी में है फिर भाईजान अपने भाइयों के साथ भाग्य लक्ष्मी की फैमिली की मदद के लिए पहुंच जाते हैं क्या भाईजान और भाग्य का मिलन हो पाता है यही इस फिल्म में आगे दिखाया गया है फिल्म के डायरेक्टर फरहास सामजी ने 10 साल पुरानी कहानी पर बेहद कमज़ोर स्क्रिप्ट के साथ यह फिल्म बनाई है महज ढाई घंटे से कम समय की फिल्म में उन्होंने इतने सारे मसाले डाल दिए हैं कि उन्हें समेटना खुद फरहात के लिए मुश्किल हो गया है बेशक इस फिल्म की तुलना अजीत कुमार की भरम से होगी बिरम की कहानी कसी हुई थी और उसमें बहुत ज़्यादा ड्रामा भी नहीं था लेकिन यहां पर सलमान ने फिल्म में भारी भरकम स्टारकास्ट जोड़ ली है जो कि कई बार बोझिल की, की कहानी न सिर्फ नए जमाने के हिसाब से बकवास लगती है बल्कि इसके गानों में भी सलमान अजीबों गरीब अंदाज में थिरकते नजर आते हैं फिल्म का नै लगदा और बिल्ली बिल्ली गाना जरूर हिट है लेकिन बाकी गाने नहीं जमते सलमान ने फिल्म में अपने चेर अंदाज के मुताबिक की है। वही पूजा एक बार फिर बॉलीवुड में एक अदत हिट के लिए स्ट्रगल करती नजर आती हैं। हालांकि वेंकटेश और जगपति बाबू जरूर अपने रोल में जमे हैं बाकी कलाकारों के पास फिल्म में करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था अगर आप सलमान खान के बड़े वाले फैन नहीं हैं तो बेहतर होगा कि फिल्म किसी का भाई किसी की जान को देखने में अपने पैसे बर्बाद ना करें सनातन धर्म चर्चा में अक्सर इस बात का जिक्र आता है कि गीता का पहला और आखिरी श्लोक भी अगर कंथष्ट कर लिया जाए तो मनुष्य को निष्कपट निर्गुण और निरपेक्ष रहने की सीख मिल जाती है गीता का पहला श्लोक है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र युत्सवा माम कहा पांडुवाश किम कुरुत संजय इस पहले श्लोक में ही संघर्ष की पहली गलती बताई गई है और वह है अपने और पराये का भेद करना फिल्म किसी का भाई किसी की जान में सलमान खान इसी श्लोक का पर्दे पर जिस तरह उच्चारण दिखाते हैं वो देख हिंदी सिनेमा की दशा और दिशा दोनों तरफ तरसाता है यह दृश्य उनके किरदार भाईजान के गीता ज्ञान का है और भाईजान कितने निष्कपट होकर अपनी फिल्मों में लोगों को मौका देते हैं ये उनके तीनों भाइयों और घर की होने वाली तीनों बहुओं के चेहरे मोहरे देख बताया जा सकता है भाईजान फिल्म भारत के के बाद ये भी बताने की कोशिश करते हैं कि इंसानियत धर्म और के से ऊपर है और फिल्म खत्म होते समय जिस तरह से साईं बाबा की तर्ज पर सबका मालिक एक वाला पोज बनाते हैं जेब में पड़ी सारी रोजगारी वही लुटा देने का मन करता है बच्चन पांडे का दर्जा बढ़ाती फिल्म लेकिन ये फिल्म निर्देशक फरहाद शाम जी की है वह दिल्ली में भी पकौड़ियों के बजाय भजिया बेच सकते हैं वैसे गीता का श्लोक सलमान खान ने जिस अंदाज में पढ़ा है उसी को पता चलता है कि फिल्म मैंने प्यार किया से शुरू हुआ उसका सफर अब किस मोड़ पर आ पहुंचा है उनके आसपास एक भी इंसान ऐसा नहीं बचा है जो उनकी आंखों में आंखें डालकर कह सके कि भाई जानिए ये सब आप क्या कर रहे हैं सलमान खान का अपना प्रशंसक वर्ग है लेकिन ये प्रशंसक वर्ग उनकी रियासत नहीं है यह बात सलमान खान को समझने में अब काफ़ी देर हो चुकी है फ़िल्म भोला के बाद ये इस साल की दूसरी मेगा बजट हिंदी फिल्म है जो एक दक्षिण भारतीय फिल्म का रिमेक है और अपने लक्षित दर्शकों से पूरी तरह कटी हुई है तमिल फिल्म बीरम की हिंदी रिमेक किसी का भाई किसी की जान चार भाइयों उनकी चार प्रेमिकाओं मोहल्ले के चार बुजुर्गों और दक्षिण भारत के चार किरदारों की कहानी है कहानी देखकर लगता है कि सलमान खान ने सूरज बरजाता का नाम फिल्म के ट्रेलर लॉन्च में बिल्कुल सही लिया है भंसाली भी अब उनको याद आए थे लेकिन फिल्म यह बच्चन पांडे और पॉपकॉर्न निर्देशित करने वाले फरहा सामजी की है और फिल्म किसी का भाई किसी की जान देखने के बाद बच्चन पांडे भी एक बेहतर फिल्म लगने लगती है फिल्म किसी का भाई किसी की जान ईद पर रिलीज होने वाली सलमान खान की ऐसी चौथी फिल्म है जिसे देखने भले उनके प्रशंसक भरपूर संख्या में आए लेकिन उसने ईद का जश्न मनाने का मौका उनसे छीन लिया है पूरी फिल्म में सलमान खान ही सलमान खान छाए हुए हैं कभी लंबे बालों के साथ कभी मेहंदी रचे बालों के साथ कभी बिल्कुल टिंच बालों के साथ चेहरे को सुंदर दिखाने के लिए खूब फोटोशॉपिंग की गई है छः या आठ जो भी ऐप्स हों उनको दिखाने के लिए उनकी शर्ट भी हवा में उड़ती है लेकिन सुभाष घई की फिल्म युवराज की तरह बदलती उनकी इस छवियों को उनके किरदार की अहमियत को एक मजाक बनाकर रख दिया गया है सलमान के किरदार का कोई नाम नहीं है ना फर्स्ट नेम और ना ही सर नेम और इसे दर्शक समझ जाएं इसके लिए इसे फिल्म में कई बार दोहराया गया है उसने तीन अनाथ बच्चों को अपनी किशोरावस्था में पाला है और उन्हें दिल्ली में रहने के बावजूद भाई जी दद्दा दादा या भैया कहने के बाद अपने बड़े भाई को भाईजान कहना क्यों शुरू कर दिया फरहा सामजी ही बता सकते हैं कहानी का ट्रैक एक रियल लाइफ हीरो पर आधारित है लेकिन उस पर बात फिर कभी तीन भाइयों की तीन ऐसी प्रेमिकाएँ हैं जो कौन हैं कहाँ से आई हैं घर परिवार में उनके कौन कौन हैं किसी को नहीं पता बस वह कहानी में जब भी जरूरत होती है एक साथ फटाक से आ जाते हैं शक्लें इनकी ऐसी हैं कि सिर्फ सलमान खान को ही पसंद आ सकती हैं तीनों भाई भी कहानी को घटाने बढ़ाने में कोई मदद नहीं करते सतीश कौशिक तेज सप्रू और आसिफ शेख मोहल्ले के बुजुर्ग हैं और कहानी में जो फरहा सामजी शूट नहीं कर पाए उसे किस्सों के जरिए सुनाते हैं फ्लैशबैक की भरमार वाली फिल्म किसी का भाई किसी की जान की कहानी फरहा सामजी ने अपनी अलग स्टाइल में कही है वह कहानी नहीं करते हैं बस सीन सोचते हैं और फिर उनको आपस में जोड़ने पटकथा कुछ कुछ के के सब कुछ पहले सीन में ही साफ हो जाता है कि आगे क्या होने वाला है जो काम सिनेमा हॉल में दर्शकों को करना चाहिए था वह फरहाद शाम जी अपनी फिल्म के मुख्य कलाकारों और सैकड़ों जूनियर कलाकारों से कराते हैं फिल्म वही सफल होती है जिसे हीरो की एंट्री पर दर्शक चीटिया ना किसी फिल्म के कलाकार खैर हिंदी सिनेमा के इतिहास में पूजा हेगड़े के साथ फरहाजान जी का नाम भी इसलिए याद रखा जाएगा कि उन्होंने चमकते सितारे को धूमकेतु में बदल देने की महारत कैसे हासिल की पूजा हेगड़े की हिंदी में 2016 से लेकर अब तक ये पांचवी फिल्म है ऋतिक रोशन अक्षय कुमार प्रभास और रणबीर सिंह के साथ अब सलमान खान एक आदत हिट फिल्म का इंतजार उनको अभी और करना है पर्दे पर अभिनय वह अच्छा करती हैं लेकिन पता नहीं क्यों पूरी फिल्म में यूँ लगता रहा कि उनकी डबिंग कहीं आलिया भट्ट ने तो नहीं की अभिनय तो वह पूरा का पूरा आलिया भट्ट की नकल करके ही करते दिखी हैं जो काम वह अपनी पिछली चार हिंदी फिल्मों के हीरो की ब्रांड वैल्यू के साथ कर चुकी हैं वही काम अब अपनी पांचवी हिंदी फिल्म में सलमान खान के साथ करती दिख रही हैं सत्तावन साल के सलमान खान से वह करीब पच्चीस साल छोटी हैं लेकिन उनका किरदार भाग्य फिल्म में पहली नजर में ही भाईजान से प्यार कर बैठता है खान के साथ अपना करियर शुरू करने वाले भागेश्वरी भी अपनी पहली फिल्म मैंने प्यार किया के कि गाने के साथ फिल्म में मौजूद हैं पति हिमालय दसानी भी हैं और बेटा अभिमन्यु भी भूमिका चावला को भाभी का किरदार मिला है फिल्म किसी का भाई किसी की जान के संवाद और भी अटपटे हैं सिनेमा के संवादों के लिए जरूरी है कि वह कहानी का असर दर्शकों पर डाल सके यह संवाद सहज तरीके से निकलने वाली बातचीत में चुपके से आने वाली गहरी बात से असर लगते हैं या फिर किसी किरदार का अपना एक स्टाइल भी बना सकते हैं हिंदी सिनेमा के दिग्गज लेखक सलीम खान के बेटे सलमान खान ने इस काम में भी अपना हुनर फिल्म की शूटिंग के दौरान दिखाया ही होगा लेकिन उनका पर्दे पर बोला गया हर संवाद बनावटी लगता है उनके किरदार चौपाई में बढ़ने लगे हैं और सिनेमाटोग्राफर भी को भी शायद अपने हीरो के लंबाई और चौड़ाई के इस अनुपात में अंदाजा रहा नहीं फिल्म का एक और सबसे ज्यादा परेशान करने वाला पहलू है इसका पार्थ संगीत पता नहीं रबी बसरूर को यह दिव्य ज्ञान कहां से हासिल हुआ कि शोर ही संगीत है उन्होंने पूरी फिल्म को ट्रेलर समझकर इसका संगीत रचा है उम्मीद थी कि इस फिल्म के गानों में इसकी कसर पूरी होगी लेकिन वहां भी मामला चौपट ही रहा फिल्म कितने चलताऊ अंदाज से बनी है इसका अंदाज़ा फिल्म के क्लाइमैक्स में होने वाली मारधाड़ को देख कर लगाया जा सकता है क्लोजअप साठ में सलमान खान के चेहरे के ऊपर फिसलता मुक्का इनके नकलीपन का एहसास दिलाने के लिए काफ़ी है हैरानी है वाली बात यह भी है कि सलमान को देसी जॉन विक बनाने की कोशिश करती फिल्म किसी का भाई किसी की जान कहानी की कहानी दिल्ली से लेकर हैदराबाद तक घूमती रहती है और इसके बस एक ही दृश्यों में पुलिस दिखती है हरियाणा बोली वाले बिलन बने बिचेंद्र कुमार से लेकर हैदराबाद के गोखार बिलन के रूम में दिखे जगपति बाबू सब करिश्के चर बन गए हैं और वेंकटेश के बारे में तो क्या ही कहें नेटफ्लिक्स की सीरीज राडानाइडो से उन्होंने अपने ब्रांडिंग का हाल वैसा ही कर लिया जैसा नवाजुद्दीन सिद्दीकी का हाल हिंदी सिनेमा में सीक्रेट गेम्स ने कर रखा है किसी का भाई किसी की जान में भाई जान यानी सलमान खान शादी नहीं करने का फ़ैसला करता है क्योंकि वह नहीं चाहता कि कोई लड़की उससे उसके प्यारे भाइयों मोह यानी जस्सी गिल लव यानी सिद्धार्थ निगम और इश्क यानी राघव जैल से अलग करे भाग्यलक्ष्मी गुंडा ने यानी पूजा हेगड़े एक हैदराबादी किरायादार के रूप में भाईजान के घर में प्रवेश करती है और शादी के प्रति अपना दृष्टिकोण बदल देती है गुंडे उन पर हमला करते हैं और भाईजान को पता चलता है कि वे भाग्य के पीछे पड़े हैं भाग्य कौन है गुंडों ने भाग्य को मारने की कोशिश क्यों की अनन्या कौन है फिल्म के पास हैं सारे जवाब सलमान खान एक्शन से भरपूर इमोशनल ड्रामा किसी का भाई किसी की जान के साथ वापस आए हैं वह कुछ दृश्यों में अच्छे लगे हैं खासकर शिकंडहा में वेंकी के साथ उनके संवाद और भावात्मक दृश्यों में उनका प्रदर्शन अच्छा है तेलुगु स्टार अभिनेता विजय वेंकटेश को एक भावपूर्ण भूमिका मिली है उनकी स्क्रीन बहुत उपस्थित बहुत अच्छी है और जैसा कि ऊपर कहा गया है सलमान खान के साथ मेट्रो की लड़ाई और वेंकी के घर के दृश्यों पर हमला करने वाले गुंडों को अच्छी तरह से कैद किया गया है प्रोडक्शन वैल्यू अच्छी है और बैकग्राउंड स्कोर भी अच्छा है हर कोई जानता है कि यह फिल्म तमिल ब्लॉकबस्टर वीरम जो की 2014 में आई थी कि कार्यक्रम एक है जिसे तेलुगु में कटमारायडू जो कि 2017 में आई थी और कन्नड़ में ओडे जो कि 2019 में आई थी के रूम में बनाया गया था हालांकि किसी के भाई किसी की जान की कहानी में थोड़ा बदलाव किया गया है एक अभिनेता के रूम में सलमान खान अच्छे हैं लेकिन अगर हम उनके स्टारडम पर विचार करें तो के के बी के जे के एक औसत दृश्य की फिल्म नहीं है यह स्पष्ट नहीं है कि सलमान ने उस स्क्रिप्ट को क्यों चुना जो तेलुगु और कन्नड़ में रीमेक होने पर पहले ही विफल हो गई थी कभी तो कोई सोचेगा कि यह सलमान खान की फिल्म है या वेंकी की कुछ ऐसे दृश्य हैं जो ऐसा महसूस कराते हैं कहानी में नवीनता का अभाव है और कोई भी आसानी से पुरानी लिपि की भविष्यवाणी कर सकता है एक प्रेम दृश्य दो चेतावनी दृश्यों के बीच आता है और एक बिंदु पर दर्शक कहेंगे क्या हो रहा है दृश्यों के बीच कनेक्टिविटी अच्छी तरह से स्थापित नहीं है बदला लेने वाले प्रतिपक्षी जगपति बाबू को एक शक्तिशाली खलनायक के रूप में दिखाया जाना चाहिए था लेकिन उनकी हरकतें और डायलॉग्स हमें अस्सी के दशक के बिलन की याद दिलाते हैं साथ ही भूमिका चावला का अपनी फिल्म में कोई लेना देना नहीं है कुछ गाने सुनने में अच्छे होते हैं गाने के कुछ स्थान अनुपयुक्त हैं वे कहानी के लिए बाधाओं की तरह हैं चरमोत्कर्ष का हिस्सा इतना पुराना है कि निर्देशक इसे बेहतर ढंग से लिख और निष्पादित कर सकते हैं कोई सोचेगा कि फिल्म में ऐसे क्षण होंगे जो सीटी योग्य होंगे दुर्भाग्य से किसी का भाई किसी की जान में ऐसे कई पल नहीं हैं लेकिन उनके बजाय कुछ चेहरे के पल हैं फरहाद सामजी स्पर्श खेत्रपाल और तासा भामरा ने पतकटा में कुछ बदलाव किए हैं और वह ठीक हैं हालांकि उन्हें सलमान के किरदार का ज्यादा ख्याल रखना चाहिए था क्योंकि उनके फैंस उनके कुछ खास की उम्मीद करते हैं निर्देशक फरहस आमजी किसी का भाई किसी की जान से एक बेहतर फिल्म बनाने में असफल है के जीए प्रसिद्ध के रबी बसरूर द्वारा स्कोर कुछ भौतम दृश्यों को बढ़ाता है बेमणकंदन की सिनेमाटोग्राफी अच्छी है उत्पादन और बेहतर हो सकता था उत्पादन मूल्य काफ़ी समृद्ध है कुल मिलाकर किसी का भाई किसी की जान

सिने प्रेमियों के लिए सापसी है यह पिक्चर सिर्फ भाई के फैन ही देख सकते हैं क्योंकि और किसी के लिए भाईजान देखना महान खतरनाक काम हो सकता है आगे कई सारे स्पाइलर्स हो सकते हैं अपने रिस्क पर ही यह वीडियो देखें काहे कि दोस्ती बनी रहनी चाहिए चलिए आइए समीक्षा करते हैं मैं अक्सर रिव्यू में रेटिंग की बात आखिर में करता हूँ पर आज मैं सबसे पहले उसी की बात करूंगा क्योंकि बुरी बातें पहले बोल देनी चाहिए हालांकि इसमें अच्छी बातें तो हैं नहीं कोई नहीं सलमान खान के तीन भाई हैं लव इश्क और मोह लब बने हैं सिद्धार्थ निगम इश्क के रोल में हैं राघव जुएल और मोह का किरदार निभाया है जस्सी गिल ने भर भर के ओवर एक्टिंग ऐसा ही उनकी तीनों प्रेमिकाओं शहनाज गिल पलक तिवारी और बिनाली भटनागर के साथ है इतनी ओवर एक्टिंग आपको बीमार बहुत बीमार करने के लिए काफ़ी है यदि ये लोग कोई कपड़ा होते इन्हें निचोड़ा जाता तो 500 लीटर वाले टंकी इनकी ओवर एक्टिंग की तरलता से भर जाती इन लोगों से अच्छी एक्टिंग तो सलमान खान ने की है ये मैं कह रहा हूँ जब सलमान ने खुद खराब एक्टिंग की है फिल्म में उनके दो तीन इमोशनल सीन इच्छा तो जागृत नहीं होता कि ये वही है पूजा हेगड़े है। है ने अपने किरदार के साथ न्याय किया है उन्होंने दर्शकों पर अन्याय बिल्कुल नहीं किया है उनको फिल्म में स्क्रीन टाइम भी ठीक ठाक मिला है उनके भाई बने वेंकटेश ने बढ़िया एक्टिंग की है उनके लिए ऐसे किरदार मक्खन की तरह हैं उनकी पत्नी बनी है भूमिका चावला उन्हें इतने सालों बाल देखना अच्छा लगा अभिमन्यु सिंह जैसे अच्छे एक्टर से भी फरहा शाम जी बुरी एक्टिंग करवाने में कामयाब रहे हैं तो बॉक्सर बिजेंदर सिंह जी एक्टिंग करेंगे तो बॉक्सर बिजेंदर सिंह जी क्या ही एक्टिंग करेंगे सबसे बढ़िया काम है सतीश कौशिक का उनकी कॉमिक टाइमिंग कमाल की ही है बताने की ज़रूरत नहीं है यहाँ भी उन्होंने उसी का मुसाफिर पेश किया है अब जरा लिखाई बात पर कर लेते हैं माने क्या ही लिखा है भाई जब तुम्हें सच का पता चलेगा तो तुम सच सुन नहीं पाओगे अरे मैं नहीं कह रहा पिक्चर का डायलॉग है ऐसे भयानक क्रिंज डायलॉग की भर इसमें भरमार है सलमान खान खुद भी लिखते हैं तो इसे अच्छे स्क्रिप्ट लिखते बंदे मातरम लिखने वाले बंकिम चंद्र चटर्जी इस फिल्म को देखने बाद कहते हैं ये धरती रहने के लायक नहीं बची है बात पर फिल्म में सुनने को मिलेगा इंसानियत में है दम बंदे मातरम ऊपर वाले में है बड़ा दम बंदे मातरम माने क्यों भाई हम पर करिए थोड़ा रहम बंदे मातरम भाईजान यानी सलमान खान अपना जीवन एक कुरे के रूप में जीने के लिए प्रतिबद्ध हैं ताकि वह अपने तीन छोटे भाइयों की देखभाल कर सके लेकिन जब एक खूबसूरत महिला उनके जीवन में आती है तो चीजें एक अप्रत्याशित मोड़ लेती हैं इस भाई की जान उसके भाई हैं

काला अतीत है यह एक बहुत पतला कथानक है जो बहुत कुछ हासिल करने की कोशिश करता है लेकिन वास्तव में जगह नहीं बना पाता है निर्देशक और सहलेखक फरहांजे की कहानी बहुत सारे खूनी एक्शन के साथ तर्क और समान स्थिति की झलक दिखाती है पहला भाग ऐसे दृश्यों के साथ आपके धैर्य की परीक्षा लेता है तो मजे जो मज़ेदार होने का इरादा रखते हैं लेकिन है नहीं रोजदार प्रदर्शन ज्यादा मदद नहीं करते हैं इंट्रोल तक कहानी शुरू नहीं होती तीन भाइयों लव या निशार्थ निकम इसके यानी राघव जैयाल और मोहनी जसगिल और उनके प्रेम का चाहत यानी विनाली भटनागर सुकून यानी सहजान गिल और मुस्कान यानी पलक तिवारी के बीच के रोमांटिक ट्रैक साधारण और सामान्य हैं। घिसा हुआ है भाग्य और भाईजान के बीच की केमिस्ट्री शुरू में कुछ हिचकिचाहट का सामना करती है लेकिन रास्ते में गर्म हो जाती है सामजी अपनी पटकता को बहुत सारे पात्रों के साथ बेस्त रखते हैं और उन्हें बाहर निकालने की ज्यादा परवाह नहीं करते वे मनोरंजन या उनके प्रदर्शन के संदर्भ में बिना किसी मौलिक को जोड़े कथा को भीड़ देते हैं कम से औसत साउंड ट्रैक रन टाइम के एक के बाद एक भूलने योग्य संख्या जोड़ता है बचत की बात यह है कि उन्हें अच्छी तरह से चित्रित किया गया है और वे दृष्टगोण और वह दस्तगर रूप से समृद्ध हैं उनमें से नै लगदा हिमेश रश्मिया द्वारा रचित है सबसे अलग है बैकग्राउंड स्कोर जो कि रस रब भसरूर ने लिखा है थोड़ा कम इग्नोर करने वाला हो सकता था और फिल्म को थोड़ा और एडिट किया जा सकता था भाईजान के किरदार को मनमोहक बनाने के लिए सलमान खान अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं और वह इसमें सफल भी होते हैं अभिनेता अभी भी एक एक्शन हीरो के रूप में एक पंच पैक करता है और अपने महिला प्रेम के साथ न समझ और मनमोहक मीठी बातों का आदान प्रदान करने का आकर्षण रखता है इस बार भाई कुछ चुटकुले खुद पर भी लेते हैं इस बार भाई कुछ चुटकुले खुद पर भी लेते हैं और ये फिल्म के कुछ हंसे मजाक के पल हैं यह स्टाइलिश एक्शन यानी ए एन एल आर एस द्वारा है जो इस फिल्म को एक हद तक बनाता है पहले कभी नहीं देखे गए स्टाइल वाले स्टंट के साथ प्रत्येक सीक्वेंस को बहुत अच्छी तरह से कोरियोग्राफ किया गया है दक्षिण के सुपरस्टार वेंकटेश और सलमान अपने भारी भर कम एक्शन दृश्यों के साथ उच्च प्रभाव पैदा करने के लिए सभी पड़ाव पार करते हैं वेंकटेश जो कि गुंडा मनिनी के रूप में हैं एक परिवार के मुखिया के अपने चरित्र को महत्व देते हैं जो अपने प्रियजनों को सुरक्षित रखने के लिए जो कुछ भी करना होगा वह करेगा पूजा की भावपूर्ण भूमिका है जिसे उन्होंने आत्मविश्वास से निभाया है लेकिन ओवर द टॉप हरकतों को डायल कर सकते थे अन्य तीन अभिनेत्रियों का उपयोग केवल रंगमंच की सामग्री के रूप में किया जाता है जिसमें प्रदर्शन करने की बहुत कम गुंजाइश होती है लड़के औसत से कम प्रदर्शन देते हैं जो शून्य दृढ़ विश्वास के साथ लिखे जाते हैं खलनायकों में तेलुगु अभिनेता जगपति बाबू प्रभावशाली हैं सलमान खान अभिनेता फिल्म एक बार फिर उनके कट्टर प्रशंसकों के लिए खेल रही है या क्रूर हिंसा और ढेर सारे ड्रामा के साथ लार्जन दैन लाइफ एक्शन है समस्या यह है कि यह केवल संक्षेप में मनोरंजन करता है बहुत सारे पात्र एक अप्रभावी साउंडट्रैक और सबसे कमजोर पटकथा जो सलमान खान की स्टार पावर से मेल नहीं खाती जो फिल्म को निराश करती है हालांकि भाई के प्रशंसक उन्हें अंत तक खलनायकों को पीटते देखने के लिए उत्सुक हैं और हां जरा रुकिए शटलेस होने का वो पल भी आता है जो आपको हैरान कर देता है बॉलीवुड में साउथ फिल्मों के रीमेक बनाने का ट्रेंड काफ़ी पुराना है लेकिन तब कम ही दर्शकों को पता होता था कि फला बॉलीवुड फिल्म किस साउथ फिल्म की, की रीमेक है साथ ही तब साउथ फिल्मों के हिंदी वर्जन भी उपलब्ध नहीं होते थे लेकिन कोरोना के दौरान दर्शकों ने ओ और यूट्यूब पर जमकर साउथ सिनेमा की हिंदी में डब फिल्में देखी ऐसे में अब उन्हें साउथ की हिंदी रीमेक की रिलीज से पहले ही पता होता है कि वह किस साउथ फिल्म की रीमेक है सलमान खान की ईद के मौके पर रिलीज किसी का भाई किसी की जान साल दो में आई तमिल सुपरस्टार अजीत कुमार की फिल्म वीरम की रीमेक इस फिल्म के नाम की तरह इसके बनने की कहानी भी काफ़ी दिलचस्प है डायरेक्टर फरहाद जी बीरम को हिंदी में बच्चन पांडे के नाम से अक्षय कुमार के साथ बनाना चाहते थे लेकिन बाद में उन्होंने एक दूसरी तमिल फ़िल्म जिगर ठंडा पर बच्चन पांडे बनाई जो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही फिर फरहाद शाम ने बीरम की स्क्रिप्ट सलमान को दिखाई जो उन्हें इतनी पसंद आई कि उन्होंने इस पर कभी ईद कभी दिवाली टाइटल से फिल्म घोषित कर दी जो कि आखिरकार अब किसी का भाई किसी की जान के नाम से रिलीज हुई है फिल्म की कहानी वही है जो कि अजीत कुमार की फिल्म बीरम की है भाईजान यानी सलमान खान ने अपने तीन छोटे भाइयों की जिम्मेदारी के कारण शादी नहीं की दरअसल भाईजान ने तीन अनाथ बच्चों को अपना भाई बनाकर पाला था अब भाईजान अपनी और अपने भाइयों की शादी के भी खिलाफ हैं ताकि उन भाइयों के बीच कोई और ना आए लेकिन भाईजान के छोटे भाई उनकी शादी करवाना चाहते हैं ताकि वो अपने प्रेम के साथ घर बसा सके इसके लिए वे तमाम जुगत लगाते हैं एक दिन भाईजान के लाइफ में हैदराबाद से आई भागी यानी पूजा हेगड़े की एंट्री होती है भागी को भाईजान पसंद जाते हैं लेकिन भाई जान उससे दूर भागते हैं हालांकि धीरे धीरे वह उससे चाहने लगते हैं एक दिन उन्हें पता लगता है कि भाग्य लक्ष्मी के बड़े भाई अन्य, अन्य वेंकटेश दगुबाती परेशानी में हैं फिर भाईजान अपने भाइयों के साथ भाग्य लक्ष्मी की फैमिली की मदद के लिए पहुंच जाते हैं क्या भाईजान और भाग्य का मिलन हो पाता है यही इस फिल्म में आगे दिखाया गया है फिल्म के डायरेक्टर फरहाद सामजी ने दस साल पुरानी कहानी पर बेहद कमज़ोर स्क्रिप्ट के साथ यह फिल्म बनाई है महज ढाई घंटे से कम समय की फिल्म में उन्होंने इतने सारे मसाले डाल दिए हैं कि उन्हें समेटना खुद फरहाद के लिए मुश्किल हो गया है बेशक इस फिल्म की तुलना अजीत कुमार की भीरम से होगी बिरम की कहानी कसी हुई थी और उसमें बहुत ज़्यादा ड्रामा भी नहीं था लेकिन यहां पर सलमान ने फिल्म में भारी भरकम स्टारकास्ट जोड़ ली है जो कि कई बार बोझिल हो जाती है इंट्रोल से पहले तक किसी का भाई किसी की जान की कहानी पूरी रफ्तार नहीं पकड़ती है जबकि इंट्रोल के बाद भी यह आपको खास जमती नहीं है इस फिल्म की कहानी न सिर्फ नए जमाने के हिसाब से बकवास लगती है बल्कि इसके गानों में भी सलमान अजीबों गरीब अंदाज में थिरकते नजर आते हैं फिल्म का नै लगदा और बिल्ली बिल्ली गाना जरूर हिट है लेकिन बाकी गाने नहीं जमते सलमान ने फिल्म में अपने परिचित के मुताबिक की है। वही पूजा हेगड़े एक बार फिर बॉलीवुड में एक अदत हिट के लिए स्ट्रगल करती नजर आती हैं। हालांकि वेंकटेश और जगपति बाबू जरूर अपने रोल में जमे हैं बाकी कलाकारों के पास फिल्म में करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था अगर आप सलमान खान के बड़े वाले फैन नहीं हैं तो बेहतर होगा कि फिल्म किसी का भाई किसी की जान को देखने में अपने पैसे बर्बाद ना करें सनातन धर्म चर्चा में अक्सर इस बात का जिक्र आता है कि गीता का पहला और आखिरी श्लोक भी अगर कंथष्ट कर लिया जाए तो मनुष्य को निष्कपट निर्गुण और निरपेक्ष रहने की सीख मिल जाती है गीता का पहला श्लोक है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र युत्सवा माम कहा किम संजय इस पहले श्लोक में ही संघर्ष की पहली गलती बताई गई है और वह है अपने और पराये का भेद करना फिल्म किसी का भाई किसी की जान में सलमान खान इसी श्लोक का पर्दे पर जिस तरह उच्चारण दिखाते हैं वो देख हिंदी सिनेमा की दशा और दिशा दोनों तरफ तरस आता है यह दृश्य उनके किरदार भाईजान के गीता ज्ञान का है और भाईजान कितने निष्कपट होकर अपनी फिल्मों में लोगों को मौका देते हैं ये उनके तीनों भाइयों और घर की होने वाली तीनों बहुओं के चेहरे मोहरे देख बताया जा सकता है भाईजान फिल्म भारत के बाद यह भी बताने की कोशिश करते हैं कि इंसानियत धर्म जाति और वर्ण के भेद से ऊपर है और फिल्म खत्म होते समय जिस तरह से साईं बाबा की तर्ज पर सबका मालिक एक वाला पोज बनाते हैं जेब में पड़ी सारी रोजगारी वही लुटा देने का मन करता है बच्चन पांडे का दर्जा बढ़ाती फिल्म लेकिन ये फिल्म निर्देशक फरहाद शाम जी की है वह दिल्ली में भी पकौड़ियों के बजाय भजिया बेच सकते हैं वैसे गीता का श्लोक सलमान खान ने जिस अंदाज में पढ़ा है उसी को पता चलता है कि फिल्म मैंने प्यार किया से शुरू हुआ उसका सफर अब किस मोड़ पर आ पहुंचा है उनके आसपास एक भी इंसान ऐसा नहीं बचा है जो उनकी आंखों में आंखें डालकर कह सके कि भाई जान ये सब आप क्या कर रहे हैं सलमान खान का अपना प्रशंसक वर्ग है लेकिन ये प्रशंसक वर्ग उनकी रियासत नहीं है यह बात सलमान खान को समझने में अब काफ़ी देर हो चुकी है फिल्म भोला के बाद ये इस साल की दूसरी मेगा बजट हिंदी फिल्म है जो एक दक्षिण भारतीय फिल्म का रिमेक है और अपने लक्षित दर्शकों से पूरी तरह कटी हुई है तमिल फिल्म बीरम की हिंदी रिमेक किसी का भाई किसी की अनजान चार भाइयों उनकी चार प्रेमिकाओं मोहल्ले के चार बुजुर्गों और दक्षिण भारत के चार किरदारों की कहानी है कहानी देखकर लगता है कि सलमान खान ने सूरज बरजाता का नाम फिल्म के ट्रेलर लॉन्च में बिल्कुल सही लिया है भंसाली भी अब उनको याद आए थे लेकिन फिल्म यह बच्चन पांडे और पाप कौन निर्देशित करने वाले फराह सामजी की है और फिल्म किसी का भाई किसी की जान देखने के बाद बच्चन पांडे भी एक बेहतर फिल्म लगने लगती है फिल्म किसी का भाई किसी की जान ईद पर रिलीज होने वाली सलमान खान की ऐसी चौथी फिल्म है जिसे देखने भले उनके प्रशंसक भरपूर संख्या में आए लेकिन उसने ईद का जश्न मनाने का मौका उनसे छीन लिया है पूरी फिल्म में सलमान खान ही सलमान खान छाए हुए हैं कभी लंबे बालों के साथ कभी मेहंदी रचे बालों के साथ कभी बिल्कुल टिंच बालों के साथ चेहरे को सुंदर दिखाने के लिए खूब फोटोशॉपिंग की गई है छः या आठ जो भी ऐप्स हों उनको दिखाने के लिए उनकी शर्ट भी हवा में उड़ती है लेकिन सुभाष घई की फिल्म युवराज की तरह बदलती उनकी इस छवियों को उनके किरदार की अहमियत को एक मजाक बनाकर रख दिया गया है सलमान के किरदार का कोई नाम नहीं है ना फर्स्ट नेम और ना ही सर नेम और इसे दर्शक समझ जाएं इसके लिए इसे फिल्म में कई बार दोहराया गया है उसने तीन अनाथ बच्चों को अपनी किशोरावस्था में पाला है और उन्हें दिल्ली में रहने के बावजूद भाई जी दद्दा दादा या भैया कहने के बाद अपने बड़े भाई को भाईजान कहना क्यों शुरू कर दिया फरहा शामझी ही बता सकते हैं कहानी का ट्रैक एक रियल लाइफ हीरो पर आधारित है लेकिन उस पर बात फिर कभी तीन भाइयों की तीन ऐसी प्रेमिकाएँ हैं जो कौन हैं कहां से आई हैं घर परिवार में उनके कौन कौन हैं किसी को नहीं पता बस वह कहानी में जब भी ज़रूरत होती है एक साथ फटाक से आ जाती हैं शक्लें इनकी ऐसी हैं कि सिर्फ सलमान खान को ही पसंद आ सकती हैं तीनों भाई भी कहानी को घटाने बढ़ाने में कोई मदद नहीं करते सतीश कौशिक तेज सप्रू और आसिफ शेख मोहल्ले के बुजुर्ग हैं और कहानी में जो फरहास आमजी शूट नहीं कर पाए उसे किस्सों के जरिए सुनाते हैं फ्लैशबैक की भरमार

और कलाकारों से कराते हैं फिल्म वही सफल होती है जिसे हीरो की एंट्री पर दर्शक चीटियां बजाय किसी फिल्म के कलाकार खैर हिंदी सिनेमा के इतिहास में पूजा हेगड़े के साथ फरहाजान जी का नाम भी इसलिए याद रखा जाएगा कि उन्होंने चमकते सितारे को धूमकेतु में बदल देने की महारत कैसे हासिल की पूजा हेगड़े की हिंदी में 2016 से लेकर अब तक ये पांचवी फिल्म है ऋतिक रोशन अक्षय कुमार प्रभाज और रणबीर सिंह के साथ अब सलमान खान एक आदत हिट फिल्म का इंतजार उनको अभी और करना है पर्दे पर अभिनय वह अच्छा करती हैं लेकिन पता नहीं क्यों पूरी फिल्म में यूँ लगता रहा कि उनकी डबिंग कहीं आलिया भट्ट ने तो नहीं की अभिनय तो वह पूरा का पूरा आलिया भट्ट की नकल करके ही करते दिखी हैं जो काम वह अपनी पिछली चार हिंदी फिल्मों के हीरो की ब्रांड वैल्यू के साथ कर चुकी हैं वही काम अब अपनी पांचवी हिंदी फिल्म में सलमान खान के साथ करती दिख रही हैं सत्तावन साल के सलमान खान से वह करीब पच्चीस साल छोटी हैं लेकिन उनका किरदार भाग्य फिल्म में पहली नज़र में ही भाईजान से प्यार कर बैठता है सलमान खान के साथ अपना करियर शुरू करने वाले भाग्यश्वरी भी अपनी पहली फिल्म मैंने प्यार किया के गाने के साथ फिल्म में मौजूद हैं पति हिमालय दसानी भी हैं और बेटा अभिमन्यु भी भूमिका चावला को भाभी का किरदार मिला है फिल्म किसी का भाई किसी की जान के संवाद और भी अटपटे हैं सिनेमा के संवादों के लिए ज़रूरी है कि वह कहानी का असर दर्शकों पर डाल सके यह संवाद सहज तरीके से निकलने वाली बातचीत में चुपके से आने वाली गहरी बात से असर लगते हैं या फिर किसी किरदार का अपना एक स्टाइल भी बना सकते हैं हिंदी सिनेमा के दिग्गज लेखक सलीम खान के बेटे सलमान खान ने इस काम में भी अपना हुनर फिल्म की शूटिंग के दौरान दिखाया ही होगा लेकिन उनका पर्दे पर बोला गया हर संवाद बनावटी लगता है उनके किरदार

चौपट ही रहा फिल्म कितने चलताऊ अंदाज से बनी है इसका अंदाज़ा फिल्म के क्लाइमैक्स में होने वाली मारधाड़ को देख लगाया जा सकता है क्लोजअप साठ में सलमान खान के चेहरे के ऊपर फिसलता मुक्का इनके नकली का एहसास दिलाने के लिए काफ़ी है। हैरानी वाली बात यह भी है कि सलमान को देसी जॉन विक बनाने की कोशिश करते फिल्म किसी का भाई किसी की जान कहानी की कहानी दिल्ली से लेकर हैदराबाद तक घूमती रहती है और इसके बस एक ही दृश्यों में ही पुलिस दिखती है हरियाणी बोली वाले बिलन बने विजेंद्र कुमार से लेकर हैदराबाद के गोखार बिलन के रूम में दिखे जगपति बाबू सब कैरिकेचर बन गए हैं और वेंकटेश के बारे में तो क्या ही कहें नेटफ्लिक्स की सीरीज राणा नायडू से उन्होंने अपने ब्रांडिंग का हाल वैसा ही कर लिया जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी का हाल हिंदी सिनेमा में सीक्रेट गेम्स ने कर रखा है किसी का भाई किसी की जान में भाईजान यानी सलमान खान शादी नहीं करने का फ़ैसला करता है क्योंकि वह नहीं चाहता कि कोई लड़की उससे उसके प्यारे भाइयों मोह यानी जस्सी गिल लव यानी सिद्धार्थ निगम और इश्क यानी राघव जुआल से अलग करे भाग्यलश्मी गुंडा ने यानी पूजा हेगड़े एक हैदराबादी किराएदार के रूप में भाईजान के घर में प्रवेश करती है और शादी के प्रति अपना दृष्टिकोण बदल देती है गुंडे उन पर हमला करते हैं और भाईजान को पता चलता है कि वे भाग्य के पीछे पड़े हैं भाग्य कौन है गुंडों ने भाग्य को मारने की कोशिश क्यों की अनन्या कौन है फिल्म के पास है सारे जवाब सलमान खान एक्शन से भरपूर इमोशनल ड्रामा किसी का भाई किसी की जान के साथ वापस आए हैं वह कुछ दृश्यों में अच्छे लगे हैं खासकर हाफ में वेंकी के साथ उनके संवाद और भावात्मक दृश्यों में उनका प्रदर्शन अच्छा है तेलुगु स्टार अभिनेता विजय वेंकटेश को एक भावपूर्ण भूमिका मिली है उनकी स्क्रीन बहुत उपस्थित बहुत अच्छी है और जैसा कि ऊपर कहा गया है सलमान खान के साथ उनके दृश्य आंखों को दावत देते हैं पूजा हेगड़े है खूबसूरत दिखती हैं और उनका प्रदर्शन प्रभावशाली है बाकी कास्ट ठीक है इमोशनल सीन ने काफ़ी हद तक काम किया है मेट्रो की लड़ाई और वेंकी के घर के दृश्यों पर हमला करने वाले गुंडों को अच्छी तरह से कैद किया गया है प्रोडक्शन वैल्यू अच्छी है और बैकग्राउंड स्कोर भी अच्छा है हर कोई जानता है कि यह फिल्म तमिल ब्लॉकबस्टर वीरम जो कि 2014 में आई थी कि आधिकारिक रिमेक है जिसे तेलुगु में कट मारायडू जो कि 2017 में आई थी और कन्नड़ में ओडे जो कि 2019 में आई थी के रूम में बनाया गया था हालांकि किसी के भाई किसी की जान की कहानी में थोड़ा बदलाव किया गया है एक अभिनेता के रूम में सलमान खान अच्छे हैं लेकिन अगर हम उनके स्टारडम पर विचार करें तो के के बी के जे के एक औसत दृश्य की फिल्म नहीं है यह स्पष्ट नहीं है कि सलमान ने उस स्क्रिप्ट को क्यों चुना जो तेलुगु और कन्नड़ में रीमेक होने पर पहले ही विफल हो गई थी कभी तो कोई सोचेगा कि यह सलमान खान की फिल्म है या वेंकी की कुछ ऐसे दृश्य हैं जो ऐसा महसूस कराते हैं Thank you. कहानी में नवीनता का अभाव है और कोई भी आसानी से पुरानी लिपि की भविष्यवाणी कर सकता है एक प्रेम दृश्य दो चेतावनी दृश्यों के बीच आता है और एक बिंदु पर दर्शक कहेंगे क्या हो रहा है दृश्यों के बीच कनेक्टिविटी अच्छी तरह से स्थापित नहीं है बदला लेने वाले प्रतिपक्षी जगपति बाबू को एक शक्तिशाली खलनायक के रूप में दिखाया जाना चाहिए था लेकिन उनकी हरकतें और डायलॉग्स हमें अस्सी के दशक के बिलन की याद दिलाते हैं साथ ही भूमिका चावला का अपनी फिल्म में कोई लेना देना नहीं है कुछ गाने सुनने में अच्छे होते हैं गाने के कुछ स्थान अनुपयुक्त हैं वे कहानी के लिए बाधाओं की तरह हैं चरमोत्कर्ष का हिस्सा इतना पुराना है कि निर्देशक इसे बेहतर ढंग से लिख और निष्पादित कर सकते हैं कोई सोचेगा कि फिल्म में ऐसे क्षण होंगे जो सीटी योग्य होंगे दुर्भाग्य से किसी का भाई किसी की जान में ऐसे कई पल नहीं हैं लेकिन उनके बजाय कुछ चेहरे के पल हैं फरहाद सामजी स्पर्श खेत्रपाल और ताशा भामरा ने पतकटा में कुछ बदलाव किए हैं और वह ठीक हैं हालांकि उन्हें सलमान के किरदार का ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए था क्योंकि उनके फैंस उनके कुछ खास की उम्मीद करते हैं निर्देशक फरहा आमजी किसी का भाई किसी की जान से एक बेहतर फिल्म बनाने में असफल रहे के जी प्रसिद्ध के रबी बसरूर द्वारा स्कोर कुछ भात्मक दृश्यों को बढ़ाता है बेमणिकंदन की सिनेमाटोग्राफी अच्छी है उत्पादन और बेहतर हो सकता था उत्पादन मूल्य काफी समृद्ध है कुल मिलाकर किसी का भाई किसी की जान की ईमानदार ईमानदारी नहीं है औसत दर्जे का प्लाट और पुराने दृश्य इसे उबाऊ बना देते हैं कुछ इमोशनल सीन और सलमान की परफॉर्मेंस के अलावा फिल्म में कुछ भी नया नहीं है आप इस फिल्म को छोड़ सकते हैं और इस सप्ताह के लिए बेहतर विकल्प ढूंढ सकते हैं किसी के भाई किसी का जान का दिन यानी सलमान खान का दिन करीब साढ़े तीन साल बाद किसी फुल फ्लैक् पिक्चर से सल्लू भाई ने वापसी की थी हालांकि ये फिल्म वापसी नहीं सने प्रेमियों के लिए साफ सी है यह पिक्चर सिर्फ भाई के फैन ही देख सकते हैं क्योंकि और किसी के लिए भाईजान देखना महान खतरनाक काम हो सकता है आगे कई सारे स्पाइलर्स हो सकते हैं अपने रिस्क पर ही यह वीडियो देखें काहे कि दोस्ती बनी रहनी चाहिए चलिए आइए समीक्षा करते हैं मैं अक्सर रिव्यू में रेटिंग की बात आखिर में करता हूँ पर आज मैं सबसे पहले उसी की बात करूंगा क्योंकि बुरी बातें पहले बोल देनी चाहिए हालांकि इसमें अच्छी बातें तो हैं नहीं कोई नहीं सलमान खान के तीन भाई हैं लब इश्क और मोह लब बने हैं सिद्धार्थ निगम इश्क के रोल में हैं राघव जुएल और मोह का किरदार निभाया है जस्सी गिल ने भर भर के ओवर एक्टिंग ऐसा ही उनकी तीनों प्रेमिकाओं शहनाज गिल पलक तिवारी और बिनाली भटनागर के साथ है इतनी ओवर एक्टिंग आपको बीमार बहुत बीमार करने के लिए काफी है यदि ये लोग कोई कपड़ा होते इन्हें निचोड़ा जाता तो 500 लीटर वाले टंकी इनकी ओवर एक्टिंग की तरलता से भर जाती इन लोगों से अच्छी एक्टिंग तो सलमान खान ने की है ये मैं तब कह रहा हूँ जब सलमान ने खुद खराब एक्टिंग की है फिल्म में उनके दो तीन इमोशनल सीन है। वो रोते हैं हैं रोते तो आप में रोने की नहीं, हसने की नहीं हंसने इच्छा जागृत होती है भरोसा नहीं होता कि ये वही आदमी है जिसने बजरंगी भाईजान में काम किया था हालांकि वो आदमी भी है जिसने रेस्थरी में भी काम किया है पूजा हेगड़े ने अपने किरदार के साथ न्याय किया है उन्होंने दर्शकों पर अन्याय बिल्कुल नहीं किया है उनको फिल्म में स्क्रीन टाइम भी ठीक ठाक मिला है उनके भाई बने वेंकटेश ने बढ़िया एक्टिंग की है उनके लिए ऐसे किरदार मक्खन की तरह हैं उनकी पत्नी बनी है भूमिका चावला उन्हें इतने सालों बाल देखना अच्छा लगा अभिमन्यु सिंह जैसे अच्छे एक्टर से भी फरहाद शाम बुरी एक्टिंग करवाने में कामयाब रहे हैं तो बॉक्सर बिजेंदर सिंह जी एक्टिंग करें तो बॉक्सर बिजेंदर सिंह जी क्या ही एक्टिंग करेंगे सबसे बढ़िया काम है सतीश कौशिक का उनकी कॉमिक टाइमिंग कमाल की ही है बताने की ज़रूरत नहीं है यहाँ भी उन्होंने उसी का मुजाफिर पेश किया है अब जरा लिखाई बात पर कर लेते हैं माने क्या ही लिखा है भाई जब तुम्हें सच का पता चलेगा तो तुम सच सुन नहीं पाओगे अरे मैं नहीं कह रहा पिक्चर का डायलॉग है ऐसे भयानक क्रिंज डायलॉग की भर इसमें भरमार है सलमान खान खुद भी लिखते हैं तो इसे अच्छे स्क्रिप्ट लिखते बंदे मातरम लिखने वाले बंकिम चंद्र चटर्जी इस फिल्म को देखने बाद कहते हैं ये धरती रहने के लायक नहीं बची है बात पर फिल्म में सुनने को मिलेगा इंसानियत में है दम बंदे मातरम ऊपर वाले में है बड़ा दम बंदे मातरम माने क्यों भाई हम पर करिए थोड़ा रहम बंदे मातरम भाईजान यानी सलमान खान अपना जीवन एक कुंवरे के रूप में जीने के लिए प्रतिबद्ध हैं ताकि वह अपने तीन छोटे भाइयों की देखभाल कर सके लेकिन जब एक खूबसूरत महिला उनके जीवन में आती है तो चीजें एक अप्रत्याशित मोड़ लेती हैं इस भाई की जान उसके भाई हैं और वह उनकी परम प्राथमिकता है जबकि उन्हें अपना जीवन साथी मिल चुका है भाईजान अभी भी अकेले उड़ रहे हैं हैं इसलिए वह उसके लिए एक मैच की तलाश शुरू कर देते भाग्य लक्ष्मी यानी पूजा हेगड़े आती है जो ना केवल बिल में फिट बैठती है बल्कि अपना नाम भाईजान की लंबे समय से चली आ रही पूर्व प्रेम का के साथ साझा करती है लेकिन यह पेच है यह मैच जितना दिखता है उससे कहीं अधिक जटिल है क्योंकि भाग्य के हैदराबादी परिवार का एक रहस्यमय और काला अतीत है यह एक बहुत पतला कथानक है जो बहुत कुछ हासिल करने की कोशिश करता है लेकिन वास्तव में जगह नहीं बना पाता है निर्देशक और सहलेखक की कहानी बहुत सारे खूनी एक्शन के साथ तर्क और समान स्थिति की झलक दिखाती है पहला भाग ऐसे दृश्यों के साथ आपके धैर्य की परीक्षा लेता है तो मजे जो मज़ेदार होने का इरादा रखते हैं लेकिन है नहीं रोजदार प्रदर्शन ज्यादा मदद नहीं करते हैं इंट्रोल तक कहानी शुरू नहीं होती तीन भाइयों लव यानी सिद्धार्थ निगम इसके यानी राघव जयाल और मोह यानी गिल और उनके प्रेम का चाहत यानी बिनाली भटनाकर सुकून यानी सहजान गिल और मुस्कान यानी पलक तिवारी के बीच के रोमांटिक ट्रैक साधारण और सामान्य हैं घिसा हुआ है भाग्य और भाईजान के बीच की केमिस्ट्री शुरू में कुछ हिचकिचाहट का सामना करती है लेकिन रास्ते में गर्म हो जाती है सामजी अपनी पटकथा को बहुत सारे पात्रों के साथ व्यस्त रखते हैं और उन्हें बाहर निकालने की ज्यादा परवाह नहीं करते वह मनोरंजन या उनके प्रदर्शन के संदर्भ में बिना किसी मूल्य को जोड़े कथा को भीड़ देते हैं कम से औसत साउंड ट्रैक रन टाइम के एक के बाद एक भूलने योग्य संख्या जोड़ता है बचत की बात यह है कि उन्हें अच्छी तरह से चित्रित किया गया है और वह दृष्ट और वे दस्तगर रूप से समृद्ध हैं उनमें से नयो लगदा हिमेश रशमिया द्वारा रचित है सबसे अलग है बैकग्राउंड स्कोर जो कि रस रब भसरूर ने लिखा है थोड़ा कम इग्नोर करने वाला हो सकता था और फिल्म को थोड़ा और एडिट किया जा सकता था भाईजान के किरदार को मनमोहक बनाने के लिए सलमान खान अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं और वह इसमें सफल भी होते हैं अभिनेता अभी भी एक एक्शन हीरो के रूप में एक पंच पैक करता है और अपने महिला प्रेम के साथ नासमझ और मनमोहक मीठी बातों का आदान प्रदान करने का आकर्षण रखता है इस बार भाई कुछ चुटकुले खुद पर भी लेते हैं इस बार भाई कुछ चुटकुले खुद पर भी लेते हैं और ये फिल्म के कुछ हंसे मजाक के पल हैं यह स्टाइलिश एक्शन यानी ए एन एल आर एस द्वारा है जो इस फिल्म को एक हद तक बनाता है पहले कभी नहीं देखे गए स्टाइल वाले स्टंट के साथ प्रत्येक सीक्वेंस को बहुत अच्छी तरह से कोरियोग्राफ किया गया है दक्षिण के सुपरस्टार स्टार और सलमान अपने भारी भर कम दृश्यों के साथ उच्च प्रभाव पैदा करने के लिए सभी पड़ाव पार करते हैं वेंकटेश जो कि गुंडा मनन्नी के रूप में हैं एक परिवार के मुखिया के अपने चरित्र को महत्व देते हैं जो अपने प्रियजनों को सुरक्षित रखने के लिए जो कुछ भी करना होगा करेगा पूजा हेगड़े की भावपूर्ण भूमिका है जिसे उन्होंने आत्मविश्वास से निभाया है लेकिन ओवर द टॉप हरकतों को डायल कर सकते थे अभिनेत्रियों का उपयोग केवल रंगमंच की सामग्री के रूप में किया जाता है जिसमें प्रदर्शन करने की बहुत कम गुंजाइश होती है लड़के औसत से कम प्रदर्शन देते हैं जो शून्य दृढ़ विश्वास के साथ लिखे जाते हैं खलनायकों में तेलुगु अभिनेता जगपति बाबू प्रभावशाली हैं सलमान खान अभिनेता फिल्म एक बार फिर उनके कट्टर प्रशंसकों के लिए खेल

बॉलीवुड में साउथ फिल्मों के रीमेक बनाने का ट्रेंड काफ़ी पुराना है लेकिन तब कम ही दर्शकों को पता होता था कि फला बॉलीवुड फिल्म किस साउथ फिल्म की, की रीमेक है साथ ही तब साउथ फिल्मों के हिंदी वर्जन भी उपलब्ध नहीं होते थे लेकिन कोरोना के दौरान दर्शकों ने ओ और यूट्यूब पर जमकर साउथ सिनेमा की हिंदी में डब फिल्में देखी ऐसे में अब उन्हें साउथ की हिंदी रीमेक की रिलीज से पहले ही पता होता है कि वह किस साउथ फिल्म की रीमेक है सलमान खान की ईद के मौके पर रिलीज किसी का भाई किसी की जान साल दो में आई तमिल सुपरस्टार अजीत कुमार की फिल्म वीरम की रीमेक है इस फिल्म के नाम की तरह इसके बनने की कहानी भी काफ़ी दिलचस्प है डायरेक्टर फरहाद सामजी बीरम को हिंदी में बच्चन पांडे के नाम से अक्षय कुमार के साथ बनाना चाहते थे लेकिन बाद में उन्होंने एक दूसरी तमिल फिल्म जिगर ठंडा पर बच्चन पांडे बनाई जो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही फिर फरहाद सामजी ने बीरम की स्क्रिप्ट सलमान को दिखाई जो उन्हें इतनी पसंद आई कि उन्होंने इस पर कभी ईद कभी दिवाली टाइटल से फिल्म घोषित कर दी जो कि आखिरकार अब किसी का भाई किसी की जान के नाम से रिलीज हुई है फिल्म की कहानी वही है जो कि अजीत कुमार की फिल्म बीरम की है भाईजान यानी सलमान खान ने अपने तीन छोटे भाइयों की जिम्मेदारी के कारण शादी नहीं की दरअसल भाईजान ने तीन अनाथ बच्चों को अपना भाई बनाकर पाला था अब भाईजान अपनी और अपने भाइयों की शादी के भी खिलाफ हैं ताकि उन भाइयों के के बीच कोई और ना आए लेकिन भाईजान छोटे भाई शादी करवाना चाहते हैं ताकि वो अपने प्रेम के साथ घर बसा सके इसके लिए वह तमाम जुगत लगाते हैं एक दिन भाईजान के लाइफ में हैदराबाद से आई भागी यानी पूजा हेगड़े की एंट्री होती है भागी को भाईजान पसंद जाते हैं लेकिन भाई जान उससे दूर भागते हैं हालांकि धीरे धीरे वह उसे चाहने लगते हैं एक दिन उन्हें पता लगता है कि भाग्य के लक्ष्मी के बड़े भाई अन्य अन्य वेंकटेश दगुबाती परेशानी में हैं फिर भाईजान अपने भाइयों के साथ भाग्य लक्ष्मी की फैमिली की मदद के लिए पहुंच जाते हैं क्या भाईजान और भाग्य का मिलन हो पाता है यही इस फिल्म में आगे दिखाया गया है फिल्म के डायरेक्टर फरहाद सामजी ने दस साल पुरानी कहानी पर बेहद कमज़ोर स्क्रिप्ट के साथ यह फिल्म बनाई है महज ढाई घंटे से कम समय की फिल्म में उन्होंने इतने सारे मसाले डाल दिए हैं कि उन्हें समेटना खुद फरहाद के लिए मुश्किल हो गया है बेशक इस फिल्म की तुलना अजीत कुमार की भरम से होगी बिरम की कहानी कसी हुई थी और उसमें बहुत ज़्यादा ड्रामा भी नहीं था लेकिन यहां पर सलमान ने फिल्म में भारी भरकम स्टारकास्ट जोड़ ली है जो कि कई बार बोझिल हो जाती है एंट्रोल से पहले तक किसी किसी का भाई किसी की जान की कहानी पूरी रफ्तार नहीं नहीं पकड़ती है है जबकि एंट्रोल के बाद भी यह आपको खास जमती नहीं है। इस फिल्म की कहानी न सिर्फ नए जमाने के हिसाब से बकवास लगती है बल्कि इसके गानों में भी सलमान अजीबों गरीब अंदाज में थिरकते नजर आते हैं फिल्म का नै लगदा और बिल्ली बिल्ली का गाना जरूर हिट है लेकिन बाकी गाने नहीं जमते सलमान ने फिल्म में अपने चेर के मुताबिक की है। वही पूजा हेगड़े एक बार फिर बॉलीवुड में एक अदत हिट के लिए स्ट्रगल करती नजर आती हैं। हालांकि और जगपति बाबू जरूर अपने रोल में जमे हैं। बाकी कलाकारों के पास फिल्म में करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था अगर आप सलमान खान के बड़े वाले फैन नहीं हैं तो बेहतर होगा कि फिल्म किसी का भाई किसी की जान को देखने में अपने पैसे बर्बाद ना करें सनातन धर्म चर्चा में अक्सर इस बात का जिक्र आता है कि गीता का पहला और आखिरी श्लोक भी अगर कंथस्ट कर लिया जाए तो मनुष्य को निष्कपट निर्गुण और निरपेक्ष रहने की सीख मिल जाती है गीता का पहला श्लोक है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्रता युत्सवा माम कहा पांडवाश्चय किम कुरुत संजय इस पहले श्लोक में ही संघर्ष की पहली गलती बताई गई है और वह है अपने और पराये का भेद करना फिल्म किसी का भाई किसी की जान में सलमान खान इसी श्लोक का पर्दे पर जिस तरह उच्चारण दिखाते हैं वो देख हिंदी सिनेमा की दशा और दिशा दोनों तरफ तरस आता है यह दृश्य उनके किरदार भाईजान के गीता ज्ञान का है और भाईजान कितने निष्कपट होकर अपनी फिल्मों में लोगों को मौका देते हैं ये उनके तीनों भाइयों और घर की होने वाली तीनों बहुओं के चेहरे मोहरे देख बताया जा सकता है भाईजान फिल्म भारत के बाद ये भी बताने की कोशिश करते हैं कि इंसानियत धर्म जाति और वर्ण के भेद से ऊपर है और फिल्म खत्म होते समय जिस तरह से साईं बाबा की तर्ज पर सबका मालिक एक वाला पोज बनाते हैं जेब में पड़ी सारी रोजगारी वही लुटा देने का मन करता है बच्चन पांडे का दर्जा बढ़ाती फिल्म लेकिन ये फिल्म निर्देशक फरहाद शाम जी की है वह दिल्ली में भी पकौड़ियों के बजाय भजिया बेच सकते हैं वैसे गीता का श्लोक सलमान खान ने जिस अंदाज में पढ़ा है उसी को पता चलता है कि फिल्म मैंने प्यार किया से शुरू हुआ उसका सफ़र अब किस मोड़ पर आ पहुंचा है उनके आसपास एक भी इंसान ऐसा नहीं बचा है जो उनकी आंखों में आंखें डालकर कह सके कि भाई जान ये सब आप क्या कर रहे हैं सलमान खान का अपना प्रशंसक वर्ग है लेकिन ये प्रशंसक वर्ग उनकी रियासत नहीं है यह बात सलमान खान को समझने में अब काफ़ी देर हो चुकी है फिल्म भोला के बाद ये इस साल की दूसरी मेगा बजट हिंदी फिल्म है जो एक दक्षिण भारतीय फिल्म का रिमेक है और अपने लक्षित दर्शकों से पूरी तरह कटी हुई है तमिल फिल्म भीरम की हिंदी रिमेक किसी का भाई किसी की जान चार भाइयों उनकी चार प्रेमिकाओं मोहल्ले के चार बुजुर्गों और दक्षिण भारत के चार किरदारों की कहानी है कहानी देखकर लगता है कि सलमान खान ने सूरज बरजाता का नाम फिल्म के ट्रेलर लॉन्च में बिल्कुल सही लिया है भंसाली भी अब उनको याद आए थे लेकिन फिल्म यह बच्चन पांडे और पाप कौन निर्देशित करने वाले फराह सामजी की है और फिल्म किसी का भाई किसी की जान देखने के बाद बच्चन पांडे भी एक बेहतर फिल्म लगने लगती है फिल्म किसी का भाई किसी की जान ईद पर रिलीज होने वाली सलमान खान की ऐसी चौथी फिल्म है जिसे देखने भले उनके प्रशंसक भरपूर संख्या में आए लेकिन उसने ईद का जश्न मनाने का मौका उनसे छीन लिया है पूरी फिल्म में सलमान खान ही सलमान खान छाए हुए हैं कभी लंबे बालों के साथ कभी मेहंदी रचे बालों के साथ कभी बिल्कुल टिंच बालों के साथ चेहरे को सुंदर दिखाने के लिए खूब फोटोशॉपिंग की गई है चाह या आठ जो भी ऐप्स हों उनको दिखाने के लिए उनकी शर्ट भी हवा में उड़ती है लेकिन सुभाष घई की फिल्म युवराज की तरह बदलती उनकी इस छवियों को उनके किरदार की अहमियत को एक मजाक बनाकर रख दिया गया है सलमान के किरदार का कोई नाम नहीं है ना फर्स्ट नेम और ना ही सरनेम और इसे दर्शक समझ जाएं इसके लिए इसे फिल्म में कई बार दोहराया गया है उसने तीन अनाथ बच्चों को अपनी किशोरावस्था में पाला है और उन्हें दिल्ली में रहने के बावजूद भाई जी दद्दा दादा या भैया कहने के बाद अपने बड़े भाई को भाईजान कहना क्यों शुरू कर दिया फरहा शाम जी ही बता सकते हैं कहानी का ट्रैक एक रियल लाइफ हीरो पर आधारित है लेकिन उस पर बात फिर कभी तीन भाइयों की तीन ऐसी प्रेमिकाएँ हैं जो कौन हैं कहां से आई हैं घर परिवार में उनके कौन कौन हैं किसी को नहीं पता बस वह कहानी में जब भी जरूरत होती है एक साथ फटाक से आ जाते हैं शक्लें इनकी ऐसी हैं कि सिर्फ सलमान खान को ही पसंद आ सकती हैं तीनों भाई भी कहानी को घटाने बढ़ाने में कोई मदद नहीं करते सतीश कौशिक तेज सप्रू और आसिफ शेख मोहल्ले के बुजुर्ग हैं और कहानी में जो फरहा शाम शूट नहीं कर पाए उसे किस्सों के जरिए सुनाते हैं फ्लैशबैक की भरमार वाली फिल्म किसी का भाई किसी की जान की कहानी फ्रहा सामजी ने अपनी अलग स्टाइल में कही है वह कहानी नहीं करते हैं बस दस बारह सीन सोचते हैं और फिर उनको आपस में जोड़ने के लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा लेते हैं यहाँ दिल्ली के बिल्डर का लालच हैदराबाद के कारोबारी की दुश्मनी ये काम करते हैं फिल्म की पटकथा ऐसी है कि सब कुछ पहले सीन में ही साफ हो जाता है कि आगे क्या होने वाला है जो काम सिनेमा हॉल में दर्शकों को करना चाहिए था वह फरहा शाम जी अपनी फिल्म के मुख्य कलाकारों और सैकड़ों जूनियर कलाकारों से कराते हैं फिल्म वही सफल होती है जिसे हीरो की एंट्री पर दर्शक चिटिया बजाए ना किसी फिल्म के कलाकार खैर हिंदी सिनेमा के इतिहास में पूजा हेगड़े के साथ जी का नाम भी इसलिए याद रखा जाएगा कि उन्होंने चमकते सितारे को धूमकेतु में बदल देने की महारत कैसे हासिल की पूजा हेगड़े की हिंदी में 2016 से लेकर अब तक ये पांचवी फिल्म है ऋतिक रोशन अक्षय कुमार प्रभास और रणबीर सिंह के साथ अब सलमान खान एक आदत हिट फिल्म का इंतजार उनको अभी और करना है पर्दे पर अभिनय वह अच्छा करती हैं लेकिन पता नहीं क्यों पूरी फिल्म में यूँ लगता रहा कि उनकी डबिंग कहीं आलिया भट्ट ने तो नहीं की अभिनय तो वह पूरा का पूरा आलिया भट्ट की नकल करके ही करते दिखी हैं जो काम वह अपनी पिछली चार हिंदी फिल्मों के हीरो की ब्रांड वैल्यू के साथ कर चुकी हैं वही काम अब अपनी पांचवी हिंदी फिल्म में सलमान खान के साथ करती दिख रही हैं सतावन साल के सलमान खान से वह करीब पच्चीस साल छोटी हैं लेकिन उनका किरदार भाग्य फिल्म में पहली नज़र में ही भाईजान से प्यार कर बैठता है सलमान खान के साथ अपना करियर शुरू करने वाले भाग्यश्री भी अपनी पहली फिल्म मैंने प्यार किया के गाने के साथ फिल्म में मौजूद हैं पति हिमालय दसानी भी हैं और बेटा अभिमन्यु भी भूमिका चावला को भाभी का किरदार मिला है फिल्म किसी का भाई किसी की जान के संवाद और भी अटपटे हैं सिनेमा के संवादों के लिए ज़रूरी है कि वह कहानी का असर दर्शकों पर डाल सके यह संवाद सहज तरीके से निकलने वाली बातचीत में चुपके से आने वाली गहरी बात से असर लगते हैं या फिर किसी किरदार का अपना एक स्टाइल भी बना सकते हैं हिंदी सिनेमा के दिग्गज लेखक सलीम खान के बेटे सलमान खान ने इस काम में भी अपना हुनर फिल्म की शूटिंग के दौरान दिखाया ही होगा लेकिन उनका पर्दे पर बोला गया हर संवाद बनावटी लगता है उनके किरदार

फिल्म कितने चलताऊ अंदाज से बनी है इसका अंदाज़ा फिल्म के क्लाइमैक्स में होने वाली मारधाड़ को देखकर लगाया जा सकता है क्रोजब साठ में सलमान खान के चेहरे के ऊपर फिसलता मुक्का इनके नकलीपन का एहसास दिलाने के लिए काफ़ी है हैरानी वाली बात यह भी है कि सलमान को देसी जॉन विक बनाने की कोशिश करती फिल्म किसी का भाई किसी की जान कहानी की कहानी दिल्ली से लेकर हैदराबाद तक घूमती रहती है और इसके बस एक ही दृश्यों में ही पुलिस दिखती है हरियाणी बोली वाले बिलन बने कुमार से लेकर हैदराबाद के, बिलन के रूम में दिखे जगपति बाबू सब कैरिकेचर बन गए हैं और वेंकटेश के बारे में तो क्या ही कहें नेटफ्लिक्स की सीरीज राला नायडू उन्होंने अपने ब्रांडिंग का हाल वैसा ही कर लिया जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी का हाल हिंदी सिनेमा में सीक्रेट गेम्स ने कर रखा है किसी का भाई किसी की जान में भाईजानी सलमान खान शादी नहीं करने का फैसला करता है क्योंकि वह नहीं चाहता कि कोई लड़की उससे उसके प्यारे भाइयों मोह यानी जस्सी गिल लव यानी सिद्धार्थ निगम और इश्क यानी राघव जयाल से अलग करे भाग्यलक्ष्मी लक्ष्मी गुंडा नैनी यानी पूजा हेगड़े एक हैदराबादी किरायादार के रूप में भाईजान के घर में प्रवेश करती है और शादी के प्रति अपना दृष्टिकोण बदल देती है गुंडे उन पर हमला करते हैं और भाईजान को पता चलता है कि वे भाग्य के पीछे पड़े हैं भाग्य कौन है गुंडों ने भाग को मारने की कोशिश क्योंकि अनन्या कौन है फिल्म के पास हैं सारे जवाब सलमान खान एक्शन से भरपूर इमोशनल ड्रामा किसी का भाई किसी की जान के साथ वापस आए हैं वह कुछ दृश्यों में अच्छे लगे हैं खासकर सिकंड में वेंकी के साथ उनके संवाद और भावात्मक दृश्यों में उनका प्रदर्शन अच्छा है तेलुगु अभिनेता विजय वेंकटेश को एक भावपूर्ण भूमिका मिली है उनकी स्क्रीन बहुत उपस्थित बहुत अच्छी है और जैसा कि ऊपर कहा गया है सलमान खान के साथ उनके दृश्य आंखों को दावत देते हैं पूजा हेगड़े है खूबसूरत दिखती हैं और उनका प्रदर्शन प्रभावशाली है बाकी कास्ट ठीक है इमोशनल सीन ने काफ़ी हद तक काम किया है मेट्रो की लड़ाई और वेंकी के घर के दृश्यों पर हमला करने वाले गुंडों को अच्छी तरह से कैद किया गया है प्रोडक्शन वैल्यू अच्छी है और बैकग्राउंड स्कोर भी अच्छा है हर कोई जानता है कि यह फिल्म तमिल ब्लॉकबस्टर वीरम जो कि 2014 में आई थी कि आधिकारिक रीमेक है जिसे तेलुगु में कट मारायडू जो कि 2017 में आई थी और कन्नड़ में ओडे जो कि 2019 में आई थी के रूम में बनाया गया था हालांकि किसी का भाई किसी की जान की कहानी में थोड़ा बदलाव किया गया है एक अभिनेता के रूम में सलमान खान अच्छे हैं लेकिन अगर हम उनके स्टारडम पर विचार करें तो के के बीके जे के एक औसत दृश्य की फिल्म नहीं है यह स्पष्ट नहीं है कि सलमान ने उस स्क्रिप्ट को क्यों चुना जो तेलुगु और कन्नड़ में रिमेक होने पर पहले ही विफल हो गई थी कभी तो कोई सोचेगा कि यह सलमान खान की फिल्म है या वेंकी की कुछ ऐसे दृश्य हैं जो ऐसा महसूस कराते हैं The cat sat on the कहानी में नवीनता का अभाव है और कोई भी आसानी से पुरानी लिपि की भविष्यवाणी कर सकता है एक प्रेम दृश्य दो चेतावनी है और एक बिंदु पर दर्शक कहेंगे क्या हो रहा है है दृश्यों के बीच कनेक्टिविटी अच्छी तरह से स्थापित नहीं है। बदला लेने वाले प्रतिपक्षी जगपति बाबू को एक शक्तिशाली खलनायक के रूप में दिखाया जाना चाहिए था लेकिन उनकी हरकतें और डायलॉग्स हमें अस्सी के दशक के बिलन की याद दिलाते हैं साथ ही भूमिका चावला का अपनी फिल्म में कोई लेना देना नहीं है कुछ गाने सुनने में अच्छे होते हैं गाने के कुछ स्थान अनुपयुक्त हैं वे कहानी के लिए बाधाओं की तरह हैं चरमोत्कर्ष का हिस्सा इतना पुराना है कि निर्देशक इसे बेहतर ढंग से लिख और निष्पादित कर सकते हैं कोई सोचेगा कि फिल्म में ऐसे क्षण होंगे जो सीटी योग्य होंगे दुर्भाग्य से किसी का भाई किसी की जान में ऐसे कई पल नहीं हैं लेकिन उनके बजाय कुछ चेहरे के पल हैं फरहाद सामजी स्पर्श क्षेत्रपाल और ताशा भामरा ने पतकटा में कुछ बदलाव किए हैं और वह ठीक हैं हालांकि उन्हें सलमान के किरदार का ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए था क्योंकि उनके फैंस उनके कुछ खास की उम्मीद करते हैं निर्देशक फरहा शाम जी किसी का भाई किसी की जान से एक बेहतर फिल्म बनाने में असफल रहे के जी एफ प्रसिद्ध के रबी बसरूर द्वारा स्कोर कुछ बहुत दृश्यों को बढ़ाता है बेमणिकंदन की सिनेमाटोग्राफी अच्छी है उत्पादन और बेहतर हो सकता था उत्पादन मूल्य काफ़ी समृद्ध है कुल मिलाकर किसी का भाई किसी की जान

सिने प्रेमियों के लिए साफ सी है ये पिक्चर सिर्फ भाई के फैन ही देख सकते हैं क्योंकि और किसी के लिए भाईजान देखना महान खतरनाक काम हो सकता है आगे कई सारे स्पाइलर्स हो सकते हैं अपने रिस्क पर ही यह वीडियो देखें काहे कि दोस्ती बनी रहनी चाहिए चलिए आइए समीक्षा करते हैं मैं अक्सर रिव्यू में रेटिंग की बात आखिर में करता हूँ पर आज मैं सबसे पहले उसी की बात करूंगा क्योंकि बुरी बातें पहले बोल देनी चाहिए हालांकि इसमें अच्छी बातें तो हैं नहीं कोई नहीं सलमान खान के तीन भाई हैं लव इश्क और मोह लब बने हैं सिद्धार्थ निगम इश्क के रोल में हैं राघव जुएल और मोह का किरदार निभाया है जस्सी गिल ने भर भर के ओवर एक्टिंग ऐसा ही उनकी तीनों प्रेमिकाओं शहनाज गिल पलक तिवारी और बिनाली भटनागर के साथ है इतनी ओवर एक्टिंग आपको बीमार बहुत बीमार करने के लिए काफ़ी है यदि ये लोग कोई कपड़ा होते इन्हें निचोड़ा जाता तो 500 लीटर वाली टंकी इनकी ओवर एक्टिंग की तरलता से भर जाती इन लोगों से अच्छी एक्टिंग तो सलमान खान ने की है ये मैं तब कह रहा हूँ जब सलमान ने खुद खराब एक्टिंग की है फिल्म में उनके दो तीन इमोशनल सीन हैं वो रोते हैं तो आप में रोने की नहीं हंसने की इच्छा जागृत होती है भरोसा नहीं होता कि यह वही आदमी है जिसने बजरंगी भाईजान में काम किया था हालांकि वो आदमी भी है जिसने रेस रेस्थ्री में भी काम किया है पूजा हेगड़े ने अपने किरदार के साथ न्याय किया है उन्होंने दर्शकों पर अन्याय बिल्कुल नहीं किया है उनको फिल्म में स्क्रीन टाइम भी ठीक ठाक मिला है उनके भाई बने वेंकटेश ने बढ़िया एक्टिंग की है उनके लिए ऐसे किरदार मक्खन की तरह हैं उनकी पत्नी बनी है भूमिका चावला उन्हें इतने सालों बाल देखना अच्छा लगा अभिमन्यु सिंह जैसे अच्छे एक्टर से भी फरहाद शाम जी बुरी एक्टिंग करवाने में कामयाब रहे हैं तो बॉक्सर बिजेंदर सिंह जी एक्टिंग करें तो बॉक्सर बिजेंदर सिंह जी क्या ही एक्टिंग करेंगे सबसे बढ़िया काम है सतीश कौशिक का उनकी कॉमिक टाइमिंग कमाल की ही है बताने की ज़रूरत नहीं है यहाँ भी उन्होंने उसी का मुसाफिर पेश किया है अब जरा लिखाई बात पर कर लेते हैं माने क्या ही लिखा है भाई जब तुम्हें सच का पता चलेगा तो तुम सच सुन नहीं पाओगे अरे मैं नहीं कह रहा पिक्चर का डायलॉग है ऐसे भयानक क्रिंज डायलॉग की भर, इसमें भरमार है सलमान खान खुद भी लिखते हैं तो इसे अच्छे स्क्रिप्ट लिखते बंदे मातरम लिखने वाले बंकिम चंद्र चटर्जी इस फिल्म को देखने कहते हैं, रहने के लायक नहीं बची है बात पर फिल्म में सुनने को मिलेगा इंसानियत में है दम बंदे मातरम ऊपर वाले में है बड़ा दम बंदे मातरम माने क्यों भाई हम पर करिए थोड़ा रहम बंदे मातरम भाईजान यानी सलमान खान अपना जीवन एक कुंवरे के रूप में जीने के लिए प्रतिबद्ध हैं ताकि वह अपने तीन छोटे भाइयों की देखभाल कर सके लेकिन जब एक खूबसूरत महिला उनके जीवन में आती है तो चीजें एक अप्र से मोड़ लेती है इस भाई की जान उसके भाई है और वह उनकी परम प्राथमिकता है जबकि उन्हें अपना जीवन साथी मिल चुका है भाईजान अभी भी अकेले उड़ रहे हैं इसलिए वह उसके लिए एक मैच की तलाश शुरू कर देते हैं भाग्य लक्ष्मी यानी पूजा हेगड़े आती है जो न केवल बिल में फिट बैठती है बल्कि अपना नाम भाईजान की लंबे समय से चली आ रही पूर्व प्रेम का के साथ साझा करती है लेकिन यह पेच है यह मैच जितना दिखता है उससे कहीं अधिक जटिल है क्योंकि भाग के हैदराबादी परिवार का एक रहस्यमय और काला अतीत है यह एक बहुत पतला

और मोह यानी जस्से गिल और उनके प्रेम का चाहत यानी बिनाली भटनाकर सुकून यानी सहजान गिल और मुस्कान यानी पलक तिवारी के बीच के रोमांटिक ट्रैक साधारण और सामान्य हैं घिसा हुआ है भाग्य और भाईजान के बीच की केमिस्ट्री शुरू में कुछ हिचकिचाहट का सामना करती है लेकिन रास्ते में गर्म हो जाती है सामजी अपनी पटकथा को बहुत सारे पात्रों के साथ व्यस्त रखते हैं और उन्हें बाहर निकालने की ज्यादा परवाह नहीं करते वे मनोरंजन या उनके प्रदर्शन के संदर्भ में बिना किसी मौलिक को जोड़े कथा को भीड़ देते हैं कम से औसत साउंड ट्रैक रन टाइम के एक के बाद एक भूलने योग्य संख्या जोड़ता है बचत की बात यह है कि उन्हें अच्छी तरह से चित्रित किया गया है और वह दृष्टगोण और वे रूप से समृद्ध हैं उनमें से नै लगदा हिमेश रशमिया द्वारा रचित है सबसे अलग है बैकग्राउंड स्कोर जो कि रस रब भसरूर ने लिखा है थोड़ा कम इग्नोर करने वाला हो सकता था और फिल्म को थोड़ा और एडिट किया जा सकता था भाईजान के किरदार को मनमोहक बनाने के लिए सलमान खान अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं और वह इसमें सफल भी होते हैं अभिनेता अभी भी एक एक्शन हीरो के रूप में एक पंच पैक करता है और अपने महिला प्रेम के साथ न समझ और मनमोहक मीठी बातों का आदान प्रदान करने का आकर्षण रखता है इस बार भाई कुछ चुटकुले खुद पर भी लेते हैं इस बार भाई कुछ चुटकुले खुद पर भी लेते हैं और ये फिल्म के कुछ हंसे मजाक के पल हैं यह स्टाइलिश एक्शन यानी ए एन एल आर एस द्वारा है जो इस फिल्म को एक हद तक बनाता है पहले कभी नहीं देखे गए स्टाइल वाले स्टंट के साथ प्रत्येक सीक्वेंस को बहुत अच्छी तरह से कोरियोग्राफ किया गया है दक्षिण के सुपरस्टार वेंकटेश और सलमान अपने भारी भरकम एक्शन दृश्यों के साथ उच्च प्रभाव पैदा करने के लिए सभी पड़ाव पार करते हैं वेंकटेश जो कि गुंडा मनिनी के रूप में हैं एक परिवार के मुखिया के अपने चरित्र को महत्व देते हैं जो अपने प्रियजनों को सुरक्षित रखने के लिए जो कुछ भी करना होगा वह करेगा पूजा हेगड़े की भावपूर्ण भूमिका है जिसे

लार्जन देन लाइफ एक्शन है समस्या यह है कि यह केवल संक्षेप में मनोरंजन करता है बहुत सारे पात्र एक अप्रभावीशान ट्रैक और सबसे कमजोर पटकथा जो सलमान खान की स्टार पावर से मेल नहीं खाती जो फिल्म को निराश करती है हालांकि भाई के प्रशंसक उन्हें अंत तक खलनायकों को पीटते देखने के लिए उत्सुक हैं और हाँ जरा रुकी शर्टलेस होने का वो पल भी आता है जो आपको हैरान कर देता है बॉलीवुड में साउथ फिल्मों की रीमेक बनाने का ट्रेंड काफ़ी पुराना है लेकिन तब कम ही दर्शकों को पता होता था कि फला बॉलीवुड फिल्म किस साउथ फिल्म की, की रीमेक है साथ ही तब साउथ फिल्मों के हिंदी वर्जन भी उपलब्ध नहीं होते थे लेकिन कोरोना के दौरान दर्शकों ने ओ और यूट्यूब पर जमकर साउथ सिनेमा की हिंदी में डब फिल्में देखी ऐसे में अब उन्हें साउथ की हिंदी रीमेक की रिलीज से पहले ही पता होता है कि वह किस साउथ फिल्म की रीमेक है सलमान खान की ईद के मौके पर रिलीज किसी का भाई किसी की जान साल दो में आई तमिल सुपरस्टार अजीत कुमार की फिल्म वीरम की रीमेक है इस फिल्म के नाम की तरह इसके बनने की कहानी भी काफ़ी दिलचस्प है डायरेक्टर फरहाद सामजी बीरम को हिंदी में बच्चन पांडे के नाम से अक्षय कुमार के साथ बनाना चाहते थे लेकिन बाद में उन्होंने एक दूसरी तमिल फिल्म जिगर ठंडा पर बच्चन पांडे बनाई जो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही फिर फरहाद सामजी ने बीरम की स्क्रिप्ट सलमान को दिखाई जो उन्हें इतनी पसंद आई कि उन्होंने इस पर कभी ईद कभी दिवाली टाइटल से फिल्म घोषित कर दी जो कि आखिरकार अब किसी का भाई किसी की जान के नाम से रिलीज हुई है फिल्म की कहानी वही है जो कि अजीत कुमार की फिल्म बीरम की है

जाते हैं लेकिन भाई जान उससे दूर भागते हैं हालांकि धीरे धीरे वह उससे चाहने लगते हैं एक दिन उन्हें पता लगता है कि भाग्य लक्ष्मी के बड़े भाई अन्य वेंकटेश दगुबाती परेशानी में हैं फिर भाईजान अपने भाइयों के साथ भाग्य लक्ष्मी की फैमिली की मदद के लिए पहुंच जाते हैं क्या भाईजान और भाग्य का मिलन हो पाता है यही इस फिल्म में आगे दिखाया गया है फिल्म के डायरेक्टर फरहाद सामजी ने 10 साल पुरानी कहानी पर बेहद कमज़ोर स्क्रिप्ट के साथ यह फिल्म बनाई है महज ढाई घंटे से कम समय की फिल्म में उन्होंने इतने सारे मसाले डाल दिए हैं कि उन्हें समेटना खुद फरहाद के लिए मुश्किल हो गया है बेशक इस फिल्म की तुलना अजीत कुमार की भरम से होगी भरम की कहानी कसी हुई थी और उसमें बहुत ज़्यादा ड्रामा भी नहीं था लेकिन यहां पर सलमान ने फिल्म में भारी भरकम स्टारकास्ट जोड़ ली है जो कि कई बार बोझिल की, की कहानी न सिर्फ नए जमाने के हिसाब से बकवास लगती है बल्कि इसके गानों में भी सलमान अजीबों गरीब अंदाज में थिरकते नजर आते हैं फिल्म का नै लगदा और बिल्ली बिल्ली गाना जरूर हिट है लेकिन बाकी गाने नहीं जमते सलमान ने फिल्म में अपने चिर परिचित अंदाज के मुताबिक ओवर एक्टिंग की है वही पूजा हेगड़े एक बार फिर बॉलीवुड में एक अदद हिट के लिए स्ट्रगल करती नजर आती हैं। हालांकि वेंकटेश और जगपति बाबू जरूर अपने रोल में जमे हैं बाकी कलाकारों के पास फिल्म में करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था अगर आप सलमान खान के बड़े वाले फैन नहीं हैं तो बेहतर होगा कि फिल्म किसी का भाई किसी की जान को देखने में अपने पैसे बर्बाद ना करें सनातन धर्म चर्चा में अक्सर इस बात का जिक्र आता है कि गीता का पहला और आखिरी श्लोक भी अगर कंथष्ट कर लिया जाए तो मनुष्य को निष्कपट निर्गुण और निरपेक्ष रहने की सीख मिल जाती है गीता का पहला श्लोक है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र सामुहिता युद्धसभा मां में कहा पांडवाश्चयो किम कुरुवत संजय इस पहले श्लोक में ही संघर्ष की पहली गलती बताई गई है और वह है अपने और पराये का भेद करना फिल्म किसी का भाई किसी की जान में सलमान खान इसी श्लोक का पर्दे पर जिस तरह उच्चारण दिखाते हैं वो देख हिंदी सिनेमा की दशा और दिशा दोनों तरफ तरस आता है यह दृश्य उनके किरदार भाईजान के गीता ज्ञान का है और भाईजान कितने निष्कपट होकर अपनी फिल्मों में लोगों को मौका देते हैं ये उनके तीनों भाइयों और घर की होने वाली तीनों बहुओं के चेहरे मोहरे देख बताया जा सकता है भाईजान फिल्म भारत के बाद ये भी बताने की कोशिश करते हैं कि इंसानियत धर्म जात और वर्ण के भेद से ऊपर है और फिल्म खत्म होते समय जिस तरह से साईं बाबा की तर्ज पर सबका मालिक एक वाला पोज बनाते हैं जेब में पड़ी सारी रोजगारी वही लुटा देने का मन करता है बच्चन पांडे का दर्जा बढ़ाती फिल्म लेकिन ये फिल्म निर्देशक फरहाद शाम जी की है वह दिल्ली में भी पकौड़ियों के बजाय भजिया बेच सकते हैं वैसे गीता का श्लोक सलमान खान ने जिस अंदाज में पढ़ा है उसी को पता चलता है कि फिल्म मैंने प्यार किया से शुरू हुआ उसका सफर अब इस मोड़ पर आ पहुंचा है उनके आसपास एक भी इंसान ऐसा नहीं बचा है जो उनकी आंखों में आंखें डालकर कह सके कि भाई जान ये सब आप क्या कर रहे हैं सलमान खान का अपना प्रशंसक वर्ग है लेकिन यह प्रशंसक वर्ग उनकी रियासत नहीं है यह बात सलमान खान को समझने में अब काफी देर हो चुकी है फिल्म भोला के बाद यह इस साल की दूसरी मेगा बजट हिंदी फिल्म है जो एक दक्षिण भारतीय फिल्म का रिमेक है और अपने लक्षित दर्शकों से पूरी तरह कटी हुई है तमिल फिल्म भीरम की हिंदी रिमेक किसी का भाई किसी की चार भाइयों उनकी चार प्रेमिकाओं मोहल्ले के चार बुजुर्गों और दक्षिण भारत के चार किरदारों की कहानी है कहानी देखकर लगता है कि सलमान खान ने सूरज बड़ जाता का नाम फिल्म के ट्रेलर लॉन्च में बिल्कुल सही लिया है पंसारी भी अब उनको याद आए थे लेकिन फिल्म यह बच्चन पांडे और पॉपकॉर्न निर्देशित करने वाले फरहा सामजी की है और फिल्म किसी का भाई किसी की जान देखने के बाद बच्चन पांडे भी एक बेहतर फिल्म लगने लगती है फिल्म किसी का भाई किसी की जान ईद पर रिलीज होने वाली सलमान खान की ऐसी चौथी फिल्म है जिसे देखने भले उनके प्रशंसक भरपूर संख्या में आए लेकिन उसने ईद का जश्न मनाने का मौका उनसे छीन लिया है पूरी फिल्म में सलमान खान ही सलमान खान छाए हुए हैं कभी लंबे बालों के साथ कभी मेहंदी रचे बालों के साथ कभी बिल्कुल टिंच बालों के साथ चेहरे को सुंदर दिखाने के लिए खूब फोटोशॉपिंग की गई है छाया या आठ जो भी ऐप्स हों उनको दिखाने के लिए उनकी शर्ट भी हवा में उड़ती है लेकिन सुभाष घई की फिल्म युवराज की तरह बदलती उनकी इस छवियों को उनके किरदार की अहमियत को एक मजाक बनाकर रख दिया गया है सलमान के किरदार का कोई नाम नहीं है ना फर्स्ट नेम और ना ही सर नेम और इसे दर्शक समझ जाएं इसके लिए इसे फिल्म में कई बार दोहराया गया है उसने तीन अनाथ बच्चों को अपनी किशोरावस्था में पाला है और उन्हें दिल्ली में रहने के बावजूद भाई जी दद्दा दादा या भैया कहने के बाद अपने बड़े भाई को भाईजान कहना क्यों शुरू कर दिया फरहा शाम जी ही बता सकते हैं कहानी का ट्रैक एक रियल लाइफ हीरो पर आधारित है लेकिन उस पर बात फिर कभी तीन भाइयों की तीन ऐसी प्रेमिकाएँ हैं जो कौन हैं कहां से आई हैं घर परिवार में उनके कौन कौन हैं किसी को नहीं पता बस वह कहानी में जब भी ज़रूरत होती है एक साथ फटाक से आ जाते हैं शक्लें इनकी ऐसी हैं कि सिर्फ सलमान खान को ही पसंद आ सकती हैं तीनों भाई भी कहानी को घटाने बढ़ाने में कोई मदद नहीं करते सतीश कौशिक तेज सप्रू और आसिफ शेख मोहल्ले के बुजुर्ग हैं और कहानी में जो फरहा सामजी शूट नहीं कर पाए उसे किस्सों के जरिए सुनाते हैं फ्लैशबैक की भरमार वाली फिल्म किसी का भाई किसी की जान की कहानी फरहा सामजी ने अपनी अलग स्टाइल में कही है वह कहानी नहीं करते हैं बस दस बारह सीन सोचते हैं और फिर उनको आपस में जोड़ने के लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा लेते हैं यहाँ दिल्ली के बिल्डर का लालच हैदराबाद के कारोबारी की दुश्मनी ये काम करते हैं फिल्म की पटकथा ऐसी है कि सब कुछ पहले सीन में ही साफ हो जाता है कि आगे क्या होने वाला है जो काम सिनेमा हॉल में दर्शकों को करना चाहिए था वह फरहाद शाम जी अपनी फिल्म के मुख्य कलाकारों और सैकड़ों जूनियर कलाकारों से कराते हैं फिल्म वही सफल होती है जिसे हीरो की एंट्री पर दर्शक चीटिया ना किसी फिल्म के कलाकार खैर हिंदी सिनेमा के इतिहास में पूजा हेगड़े के साथ फरहाजान जी का नाम भी इसलिए याद रखा जाएगा कि उन्होंने चमकते सितारे को धूमकेतु में बदल देने की महारत कैसे हासिल की पूजा हेगड़े की हिंदी में 2016 से लेकर अब तक ये पांचवी फिल्म है ऋतिक रोशन अक्षय कुमार प्रभास और रणबीर सिंह के साथ अब सलमान खान एक आदत हिट फिल्म का इंतजार उनको अभी और करना है पर्दे पर अभिनय वह अच्छा करती हैं लेकिन पता नहीं क्यों पूरी फिल्म में यूँ लगता रहा कि उनकी डबिंग कहीं आलिया भट्ट ने तो नहीं की अभिनय तो वह पूरा पूरा का आलिया भट्ट की नकल करके ही करते दिखी हैं जो काम वह अपनी पिछली चार हिंदी फिल्मों के हीरो की ब्रांड वैल्यू के साथ कर चुकी हैं वही काम अब अपनी पाचवी हिंदी फिल्म में सलमान खान के साथ करती दिख रही हैं सत्तावन साल के सलमान खान से वह करीब पच्चीस साल छोटी हैं लेकिन उनका किरदार भाग्य फिल्म में पहली नजर में ही भाईजान से प्यार कर बैठता है खान के साथ अपना करियर शुरू करने वाले भागेश्वरी भी अपनी पहली फिल्म मैंने प्यार किया के कि गाने के साथ फिल्म में मौजूद हैं पति हिमालय दसानी भी हैं और बेटा अभिमन्यु भी भूमिका चावला को भाभी का किरदार मिला है फिल्म किसी का भाई किसी की जान के संवाद और भी अटपटे हैं सिनेमा के संवादों के लिए ज़रूरी है कि वह कहानी का असर दर्शकों पर डाल सके यह संवाद सहज तरीके से निकलने वाली बातचीत में चुपके से आने वाली गहरी बात से असर लगते हैं या फिर किसी किरदार का अपना एक स्टाइल भी बना सकते हैं हिंदी सिनेमा के दिग्गज लेखक सलीम खान के बेटे सलमान खान ने इस काम में भी अपना हुनर फिल्म की शूटिंग के दौरान दिखाया ही होगा लेकिन उनका पर्दे पर बोला गया हर संवाद बनावटी लगता है उनके किरदार

फिल्म कितने चलताऊ अंदाज से बनी है इसका अंदाज़ा फिल्म के क्लाइमैक्स में होने वाली मारधाड़ को देख लगाया जा सकता है क्लोजअप साठ में सलमान खान के चेहरे के ऊपर फिसलता मुक्का इनके नकलीपन का एहसास दिलाने के लिए काफ़ी है हैरानी वाली बात यह भी है कि सलमान को देसी जॉन विक बनाने की कोशिश करते फिल्म किसी का भाई किसी की जान कहानी की कहानी दिल्ली से लेकर हैदराबाद तक घूमती रहती है और इसके बस एक ही दृश्यों में पुलिस दिखती है हरियाणी बोली वाले बिलन पने कुमार से लेकर हैदराबाद के गोखार बिलन के रूम में दिखे जगपति बाबू सब कैरिकेचर बन गए हैं और वेंकटेश के बारे में तो क्या ही कहें नेटफ्लिक्स की सीरीज राला नायडू से उन्होंने अपने ब्रांडिंग का हाल वैसा ही कर लिया जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी का हाल हिंदी सिनेमा में सीक्रेट गेम्स ने कर रखा है किसी का भाई किसी की जान में भाईजान यानी सलमान खान शादी नहीं करने का फैसला करता है क्योंकि वह नहीं चाहता कि कोई लड़की उससे उसके प्यारे भाइयों मोह यानी जस्सी गिल लव यानी सिद्धार्थ निगम और इश्क यानी राघव जयाल से अलग करे भाग्यलक्ष्मी लक्ष्मी गुंडा नैनी यानि पूजा हेगड़े एक हैदराबादी किराएदार के रूप में भाईजान के घर में प्रवेश करती है और शादी के प्रति अपना दृष्टिकोण बदल देती है गुंडे उन पर हमला करते हैं और भाईजान को पता चलता है कि वे भाग्य के पीछे पड़े हैं भाग्य कौन है गुंडों ने भाग्य को मारने की कोशिश क्योंकि अनन्या कौन है फिल्म के पास है सारे जवाब सलमान खान एक्शन से भरपूर इमोशनल ड्रामा किसी का भाई किसी की जान के साथ वापस आए हैं वह कुछ दृश्यों में अच्छे लगे हैं खासकर सिकंदहाब में वेंकी के साथ उनके संवाद और भावात्मक दृश्यों में उनका प्रदर्शन अच्छा है तिरुगुस्टार अभिनेता विजय वेंकेंटेश को एक भावपूर्ण भूमिका मिली है उनकी स्क्रीन बहुत उपस्थित बहुत अच्छी है और जैसा कि ऊपर कहा गया है सलमान खान के साथ उनके दृश्य आंखों को दावत देते हैं पूजा हेगड़े है खूबसूरत दिखती हैं और उनका प्रदर्शन प्रभावशाली है बाकी कास्ट ठीक है इमोशनल सीन ने काफी हद तक काम किया है मेट्रो की लड़ाई और वेंकी के घर के दृश्यों पर हमला करने वाले गुंडों को अच्छी तरह से कैद किया गया है प्रोडक्शन वैल्यू अच्छी है और बैकग्राउंड स्कोर भी अच्छा है हर कोई जानता है कि यह फिल्म तमिल ब्लॉकबस्टर वीरम जो कि 2014 में आई थी कि अधिकारिक रिमेक है जिसे तेलुगु में कटमारायडू जो कि 2017 में आई थी और कन्नड़ में ओडे जो कि 2019 में आई थी के रूम में बनाया गया था हालांकि किसी के भाई किसी की जान की कहानी में थोड़ा बदलाव किया गया है एक अभिनेता के रूम में सलमान खान अच्छे हैं लेकिन अगर हम उनके स्टारडम पर विचार करें तो के के बी के जे के एक औसत दृश्य की फिल्म नहीं है यह स्पष्ट नहीं है कि सलमान ने उस स्क्रिप्ट को क्यों चुना जो तेलुगु और कन्नड़ में रीमेक होने पर पहले ही विफल हो गई थी कभी तो कोई सोचेगा कि यह सलमान खान की फिल्म है या वेंकी की कुछ ऐसे दृश्य हैं जो ऐसा महसूस कराते हैं

कहानी में नवीनता का अभाव है और कोई भी आसानी से पुरानी लिपि की भविष्यवाणी कर सकता है एक प्रेम दृश्य दो चेतावनी दृश्यों के बीच आता है और एक बिंदु पर दर्शक कहेंगे क्या हो रहा है दृश्यों के बीच कनेक्टिविटी अच्छी तरह से स्थापित नहीं है बदला लेने वाले प्रतिपक्षी जगपति बाबू को एक शक्तिशाली खलनायक के रूप में दिखाया जाना चाहिए था लेकिन उनकी हरकतें और डायलॉग्स हमें अस्सी के दशक के बिलन की याद दिलाते हैं साथ ही भूमिका चावला का अपनी फिल्म में कोई लेना देना नहीं है कुछ गाने सुनने में अच्छे होते हैं गाने के कुछ स्थान अनुपयुक्त हैं वे कहानी के लिए बाधाओं की तरह हैं चरमोत्स का हिस्सा इतना पुराना है कि निर्देशक इसे बेहतर ढंग से लिख और निष्पादित कर सकते हैं कोई सोचेगा कि फिल्म में ऐसे क्षण होंगे जो सीटी योग्य होंगे दुर्भाग्य से किसी का भाई किसी की जान में ऐसे कई पल नहीं हैं लेकिन उनके बजाय कुछ चेहरे के पल हैं फरहाद सामजी स्पर्श खेत्रपाल और तासा भामरा ने पतकटा में कुछ बदलाव किए हैं और वह ठीक हैं हालांकि उन्हें सलमान के किरदार का ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए था क्योंकि उनके फैंस उनके कुछ खास की उम्मीद करते हैं निर्देशक फरहास आमजी किसी का भाई किसी की जान से एक बेहतर फिल्म बनाने में असफल रहे के जी प्रसिद्ध के रवि बसरूर द्वारा स्कोर कुछ बहुत दृश्यों को बढ़ाता है बेमणिकंदन की सिनेमाटोग्राफी अच्छी है उत्पादन और बेहतर हो सकता था उत्पादन मूल्य काफ़ी समृद्ध है कुल मिलाकर किसी का भाई किसी की जान बे की ईमानदार नहीं है औसत दर्जे का प्लाट और पुराने इसे उबाव बना देते हैं कुछ इमोशनल सीन और सलमान के परफॉर्मेंस के अलावा फिल्म में कुछ भी नया नहीं है आप इस फिल्म को छोड़ सकते हैं और इस सप्ताह के लिए बेहतर विकल्प ढूंढ सकते हैं किसी के भाई किसी का जान का दिन यानी सलमान खान का दिन करीब साढ़े तीन साल बाद किसी फुल फ्लैक् पिक्चर से सल्लू भाई ने वापसी की थी हालांकि ये फिल्म वापसी नहीं सिने प्रेमियों के लिए साफ सी है यह पिक्चर सिर्फ भाई के फैन ही देख सकते हैं क्योंकि और किसी के लिए भाईजान देखना महान खतरनाक काम हो सकता है आगे कई सारे स्पाइलर्स हो सकते हैं अपने रिस्क पर ही यह वीडियो देखें काहे कि दोस्ती बनी रहनी चाहिए चलिए आइए समीक्षा करते हैं मैं अक्सर रिव्यू में रेटिंग की बात आखिर में करता हूँ पर आज मैं सबसे पहले उसी की बात करूंगा क्योंकि बुरी बातें पहले बोल देनी चाहिए हालांकि इसमें अच्छी बातें तो हैं नहीं कोई नहीं सलमान खान के तीन भाई हैं लव इश्क और मोह लब बने हैं सिद्धार्थ निगम इश्क के रोल में हैं राघव जुएल और मोह का किरदार निभाया है जस्सी गिल ने भर भर के ओवर एक्टिंग ऐसा ही उनकी तीनों प्रेमिकाओं शहनाज गिल पलक तिवारी और बिनाली भटनागर के साथ है इतनी ओवर एक्टिंग आपको बीमार बहुत बीमार करने के लिए काफ़ी है यदि ये लोग कोई कपड़ा होते इन्हें निचोड़ा जाता तो 500 लीटर वाले टंकी इनकी ओवर एक्टिंग की तरलता से भर जाती इन लोगों से अच्छी एक्टिंग तो सलमान खान ने की है ये मैं कह रहा हूँ जब सलमान ने खुद खराब एक्टिंग की है फिल्म में उनके दो तीन इमोशनल सीन है। वो रोते हैं हैं रोते तो आप में रोने की नहीं, हसने की नहीं हंसने इच्छा जागृत होती है भरोसा नहीं होता कि यह वही आदमी है जिसने बजरंगी भाईजान में काम किया था हालांकि वो आदमी भी है जिसने रेस में भी काम किया है पूजा हेगड़े ने अपने किरदार के साथ न्याय किया है उन्होंने दर्शकों पर अन्याय बिल्कुल नहीं किया है उनको फिल्म में स्क्रीन टाइम भी ठीक ठाक मिला है उनके भाई बने वेंकटेश ने बढ़िया एक्टिंग की है उनके लिए ऐसे किरदार मक्खन की तरह हैं उनकी पत्नी बनी है भूमिका चावला उन्हें इतने सालों बाल देखना अच्छा लगा अभिमन्यु सिंह जैसे अच्छे एक्टर से भी फरहा शाम जी बुरी एक्टिंग करवाने में कामयाब रहे हैं तो बॉक्सर बिजेंदर सिंह जी एक्टिंग करेंगे तो बॉक्सर बिजेंदर सिंह जी क्या ही एक्टिंग करेंगे सबसे बढ़िया काम है सतीश कौशिक का उनकी कॉमिक टाइमिंग कमाल की ही है बताने की ज़रूरत नहीं है यहाँ भी उन्होंने उसी का मुसाफिर पेश किया है अब जरा लिखाई बात पर कर लेते हैं माने क्या ही लिखा है भाई जब तुम्हें सच का पता चलेगा तो तुम सच सुन नहीं पाओगे अरे मैं नहीं कह रहा पिक्चर का डायलॉग है ऐसे भयानक क्रिंज डायलॉग की भर इसमें भरमार है सलमान खान खुद भी लिखते हैं तो इसे अच्छे स्क्रिप्ट लिखते बंदे मातरम लिखने वाले बंकिम चंद्र चटर्जी इस फिल्म को देखने कहते हैं धरती रहने के लायक नहीं बची है बात पर फिल्म में सुनने को मिलेगा इंसानियत में है दम बंदे मातरम ओपर वाले में है बड़ा दम बंदे मातरम माने क्यों भाई हम पर करिए थोड़ा रहम बंदे मातरम भाईजान यानी सलमान खान अपना जीवन एक कुंवरे के रूप में जीने के लिए प्रतिबद्ध हैं ताकि वह अपने तीन छोटे भाइयों की देखभाल कर सके लेकिन जब एक खूबसूरत महिला उनके जीवन में आती है तो चीजें एक अप्रत्याशित मोड़ लेती हैं। इस भाई की जान उसके भाई हैं। और वह उनकी परम प्राथमिकता है जबकि उन्हें अपना जीवन साथी मिल चुका है भाईजान अभी भी अकेले उड़ रहे हैं इसलिए उसके लिए एक मैच की तलाश शुरू कर देते हैं भाग्य लक्ष्मी यानी पूजा हेगड़े आती है जो न केवल बिल में फिट बैठती है बल्कि अपना नाम भाईजान की लंबे समय से चली आ रही पूर्व प्रेम का के साथ साझा करती है लेकिन यह पेच है यह मैच जितना दिखता है उससे कहीं अधिक जटिल है क्योंकि भाग के हैदराबादी परिवार का एक रहस्यमय और काला अतीत है यह एक बहुत पतला कथानक है जो बहुत कुछ हासिल करने की कोशिश करता है लेकिन वास्तव में जगह नहीं बना पाता है निर्देशक और सहलेखक फरहांजे की कहानी बहुत सारे खूनी एक्शन के साथ तर्क और समान स्थिति की झलक दिखाती है पहला भाग ऐसे दृश्यों के साथ आपके धैर्य की परीक्षा लेता है तो मजे जो मज़ेदार होने का इरादा रखते हैं लेकिन है नहीं रोजदार प्रदर्शन ज्यादा मदद नहीं करते हैं इंट्रोल तक कहानी शुरू नहीं होती तीन भाइयों लव या निश्चार्थ

में बिना किसी मौलिक को जोड़े कथा को भीड़ देते हैं कम से औसत साउंड ट्रैक रन टाइम के एक के बाद एक भूलने योग्य संख्या जोड़ता है बचत की बात यह है कि उन्हें अच्छी तरह से चित्रित किया गया है और वह दस्टगोण और वह रूप से समृद्ध हैं उनमें से नै लगदा हिमेश रश्मिया द्वारा रचित है सबसे अलग है बैकग्राउंड स्कोर जो कि रस रब भसरूर ने लिखा है थोड़ा कम इग्नोर करने वाला हो सकता था और फिल्म को थोड़ा और एडिट किया जा सकता था भाईजान के किरदार को मनमोहक बनाने के लिए सलमान खान अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं और वह इसमें सफल भी होते हैं अभिनेता अभी भी एक एक्शन हीरो के रूप में एक पंच पैक करता है और अपने महिला प्रेम के साथ ना समझा और मनमोहक बातों का आदान प्रदान करने का आकर्षण रखता है। इस बार भाई कुछ चुटकुले खुद पर भी लेते हैं इस बार भाई कुछ चुटकुले खुद पर भी लेते हैं और ये फिल्म के कुछ हंसे मजाक के पल हैं यह स्टाइलिश एक्शन यानी ए एन एल आर एस द्वारा है जो इस फिल्म को एक हद तक बनाता है पहले कभी नहीं देखे गए स्टाइल वाले स्टंट के साथ प्रत्येक सीक्वेंस को बहुत अच्छी तरह से कोरियोग्राफ किया गया है दक्षिण के सुपरस्टार और सलमान अपने भारी एक्शन दृश्यों के के साथ उच्च प्रभाव पैदा करने के लिए सभी पड़ाव पार करते हैं वेंकटेश जो कि गुंडा मननी के रूप में है एक परिवार के मुखिया के अपने चरित्र को महत्व देते हैं जो अपने प्रियजनों को सुरक्षित रखने के लिए जो कुछ भी करना होगा वह करेगा पूजा हेगड़े की भावपूर्ण भूमिका है जिसे ने आत्मविश्वास से निभाया है लेकिन ओवर द टॉप फिल्मी हरकतों को डायल कर सकते थे अन्य तीन अभिनेत्रियों का उपयोग केवल रंगमंच की सामग्री के रूप में किया जाता है जिसमें प्रदर्शन करने की बहुत कम गुंजाइश होती है लड़के औसत से कम प्रदर्शन देते हैं हैं जो शून्य दृढ़ विश्वास के साथ लिखे जाते खलनायकों में तेलुगु अभिनेता जगपति बाबू प्रभावशाली हैं सलमान खान अभिनेता फिल्म एक बार फिर उनके कट्टर प्रशंसकों के लिए खेल रही है यह क्रूर हिंसा और ढेर सारे ड्रामा के साथ लार्जन देन लाइफ एक्शन है समस्या यह है कि यह केवल संक्षेप में मनोरंजन करता है बहुत सारे पात्र एक अप्रभावीशांत ट्रैक और सबसे कमजोर जो सलमान खान की स्टार पावर से मेल नहीं खाती जो फिल्म को निराश करती है हालांकि भाई के प्रशंसक उन्हें अंत तक खलनायकों को पीटते देखने के लिए उत्सुक हैं। और हाँ जरा रुकी शर्टलेस होने का वो पल भी आता है जो आपको हैरान कर देता है बॉलीवुड में साउथ फिल्मों की रिमेक बनाने का ट्रेंड काफी पुराना है लेकिन तब कम ही दर्शकों को पता होता था कि फला बॉलीवुड फिल्म किस साउथ फिल्म की, की रीमेक है साथ ही तब साउथ फिल्मों के हिंदी वर्जन भी उपलब्ध नहीं होते थे लेकिन कोरोना के दौरान दर्शकों ने ओ और यूट्यूब पर जमकर साउथ सिनेमा की हिंदी में डब फिल्में देखी ऐसे में अब उन्हें साउथ की हिंदी रीमेक की रिलीज से पहले ही पता होता है कि वह किस साउथ फिल्म की रीमेक है सलमान खान की ईद के मौके पर रिलीज किसी का भाई किसी की जान साल दो में आई तमिल सुपरस्टार अजीत कुमार की फिल्म वीरम की रीमेक है। इस फिल्म के नाम की तरह इसके बनने की कहानी भी काफी दिलचस्प है डायरेक्टर फरहाद सामजी बीरम को हिंदी में बच्चन पांडे के नाम से अक्षय कुमार के साथ बनाना चाहते थे लेकिन बाद में उन्होंने एक दूसरी तमिल फिल्म जिगर ठंडा पर बच्चन पांडे बनाई जो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही फिर फरहाद सामजी ने बीरम की स्क्रिप्ट सलमान को दिखाई जो उन्हें इतनी पसंद आई कि उन्होंने इस पर कभी ईद कभी दिवाली टाइटल से फिल्म घोषित कर दी जो कि आखिरकार अब किसी का भाई किसी की जान के नाम से रिलीज हुई है फिल्म की कहानी वही है जो कि अजीत कुमार की फिल्म बीरम की है भाईजान सलमान खान ने अपने तीन छोटे भाइयों की जिम्मेदारी के कारण शादी नहीं की की दरअसल भाईजान भाईजान ने तीन अनाथ बच्चों को अपना भाई बनाकर पाला था अब अपनी और अपने भाइयों शादी के भी खिलाफ हैं ताकि उन भाइयों के बीच कोई और ना आए लेकिन भाईजान के छोटे भाई उनकी शादी करवाना चाहते हैं ताकि वो अपने प्रेमकाओं के साथ घर बसा सके इसके लिए वे तमाम जुगत लगाते हैं एक दिन भाईजान के लाइफ में हैदराबाद से आई भाग पूजा हेगड़े की एंट्री होती है भाग्य लक्ष्मी को भाईजान पसंद आ जाते हैं लेकिन भाईजान उससे दूर भागते हैं हालांकि धीरे धीरे वह उससे चाहने लगते हैं एक दिन उन्हें पता लगता है कि भाग्य लक्ष्मी के बड़े भाई अन्य यानी वेंकटेश दगुबाती परेशानी में हैं फिर भाईजान अपने भाइयों के साथ भाग्य लक्ष्मी की फैमिली की मदद के लिए पहुंच जाते हैं क्या भाईजान और भाग्य का मिलन हो पाता है यही इस फिल्म में आगे दिखाया गया है फिल्म के डायरेक्टर फरहाद सामजी ने दस साल पुरानी कहानी पर बेहद कमजोर स्क्रिप्ट के साथ यह फिल्म बनाई है महज ढाई घंटे से कम समय की फिल्म में उन्होंने इतने सारे मसाले डाल दिए हैं कि उन्हें समेटना खुद फरहाद के लिए मुश्किल हो गया है बेशक इस फिल्म की तुलना अजीत कुमार की भीरम से होगी बिरम की कहानी कसी हुई थी और उसमें बहुत ज़्यादा ड्रामा भी नहीं था लेकिन यहां पर सलमान ने फिल्म में भारी भरकम स्टारकास्ट जोड़ ली है जो कि कई बार बोझिल की, की कहानी न सिर्फ नए जमाने के हिसाब से बकवास लगती है बल्कि इसके गानों में भी सलमान अजीबों गरीब अंदाज में थिरकते नजर आते हैं फिल्म का नै लगदा और बिल्ली बिल्ली गाना जरूर हिट है लेकिन बाकी गाने नहीं जमते सलमान ने फिल्म में अपने अंदाज के मुताबिक की है। वही पूजा एक बार फिर बॉलीवुड में एक अदद हिट के लिए स्ट्रगल करती नजर आती हैं। हालांकि वेंकटेश और जगपति बाबू जरूर अपने रोल में जमे हैं बाकी कलाकारों के पास फिल्म में करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था अगर आप सलमान खान के बड़े वाले फैन नहीं हैं तो बेहतर होगा कि फिल्म किसी का भाई किसी की जान को देखने में अपने पैसे बर्बाद न करें सनातन धर्म चर्चा में अक्सर इस बात का जिक्र आता है कि गीता का पहला और आखिरी श्लोक भी अगर कंथस्ट कर लिया जाए तो मनुष्य को निष्कपट निर्गुण और निरपेक्ष रहने की सीख मिल जाती है गीता का पहला श्लोक है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र युत्सवा माम कहा किम संजय इस पहले श्लोक में ही संघर्ष की पहली गलती बताई गई है और वह है अपने और पराये का भेद करना फिल्म किसी का भाई किसी की जान में सलमान खान इसी श्लोक का पर्दे पर जिस तरह उच्चारण दिखाते हैं वो देख हिंदी सिनेमा की दशा और दिशा दोनों तरफ तरस आता है यह दृश्य उनके किरदार भाईजान के गीता ज्ञान का है और भाईजान कितने निष्कपट होकर अपनी फिल्मों में लोगों को मौका देते हैं ये उनके तीनों भाइयों और घर की होने वाली तीनों बहुओं के चेहरे मोहरे देख बताया जा सकता है भाईजान फिल्म भारत के बाद यह भी बताने की कोशिश करते हैं कि इंसानियत धर्म जाति और वर्ण के भेद से ऊपर है और फिल्म खत्म होते समय जिस तरह से साईं बाबा की तर्ज पर सबका मालिक एक वाला पोज बनाते हैं जेब में पड़ी सारी रोजगारी वही लुटा देने का मन करता है बच्चन पांडे का दर्जा बढ़ाती फिल्म लेकिन ये फिल्म निर्देशक फरहाद शाम जी की है वह दिल्ली में भी पकौड़ियों के बजाय भजिया बेच सकते हैं वैसे गीता का श्लोक सलमान खान ने जिस अंदाज में पढ़ा है उसी को पता चलता है कि फिल्म मैंने प्यार किया से शुरू हुआ उसका सफर अब किस मोड़ पर आ पहुंचा है उनके आसपास एक भी इंसान ऐसा नहीं बचा है जो उनकी आंखों में आँखें डालकर कह सके कि भाई जान ये सब आप क्या कर रहे हैं सलमान खान का अपना प्रशंसक वर्ग है लेकिन ये प्रशंसक वर्ग उनकी रियासत नहीं है यह बात सलमान खान को समझने में अब काफ़ी देर हो चुकी है फिल्म भोला के बाद ये इस साल की दूसरी मेगा बजट हिंदी फिल्म है जो एक दक्षिण भारतीय फिल्म का रिमेक है और अपने लक्षित दर्शकों से पूरी तरह कटी हुई है तमिल फिल्म बीरम की हिंदी रिमेक किसी का भाई किसी की अनजान चार भाइयों उनकी चार प्रेमिकाओं मोहल्ले के चार बुजुर्गों और दक्षिण भारत के चार किरदारों की कहानी है कहानी देखकर लगता है कि सलमान खान ने सूरज बरजाता का नाम फिल्म के ट्रेलर लॉन्च में बिल्कुल सही लिया है भंसाली भी अब उनको याद आए थे लेकिन फिल्म यह बच्चन पांडे और पाप कौन निर्देशित करने वाले फराह सामजी की है और फिल्म किसी का भाई किसी की जान देखने के बाद बच्चन पांडे भी एक बेहतर फिल्म लगने लगती है फिल्म किसी का भाई किसी की जान ईद पर रिलीज होने वाली सलमान खान की ऐसी चौथी फिल्म है जिसे देखने भले उनके प्रशंसक भरपूर संख्या में आए लेकिन उसने ईद का जश्न मनाने का मौका उनसे छीन लिया है पूरी फिल्म में सलमान खान ही सलमान खान छाए हुए हैं कभी लंबे बालों के साथ कभी मेहंदी रचे बालों के साथ कभी बिल्कुल टिंच बालों के साथ चेहरे को सुंदर दिखाने के लिए खूब फोटोशॉपिंग की गई है छः या आठ जो भी ऐप्स हों उनको दिखाने के लिए उनकी शर्ट भी हवा में उड़ती है लेकिन सुभाष घई की फिल्म युवराज की तरह बदलती उनकी इस छवियों को उनके किरदार की अहमियत को एक मजाक बनाकर रख दिया गया है सलमान के किरदार का कोई नाम नहीं है ना फर्स्ट नेम और ना ही सर नेम और इसे दर्शक समझ जाएं इसके लिए इसे फिल्म में कई बार दोहराया गया है उसने तीन अनाथ बच्चों को अपनी किशोरावस्था में पाला है और उन्हें दिल्ली में रहने के बावजूद भाई जी दद्दा दादा या भैया कहने के बाद अपने बड़े भाई को भाईजान कहना क्यों शुरू कर दिया फरहा सामजी ही बता सकते हैं कहानी का ट्रैक एक रियल लाइफ हीरो पर आधारित है लेकिन उस पर बात फिर कभी तीन भाइयों की तीन ऐसी प्रेमिकाएँ हैं जो कौन हैं कहाँ से आई हैं घर परिवार में उनके कौन कौन हैं किसी को नहीं पता बस वह कहानी में जब भी ज़रूरत होती है एक साथ फटाक से आ जाते हैं शक्लें इनकी ऐसी हैं कि सिर्फ सलमान खान को ही पसंद आ सकती हैं तीनों भाई भी कहानी को घटाने बढ़ाने में कोई मदद नहीं करते सतीश कौशिक तेज सप्रू और आसिफ शेख मोहल्ले के बुजुर्ग हैं और कहानी में जो फ्रहा शाम शूट नहीं कर पाए उसे किस्सों के जरिए सुनाते हैं फ्लैशबैक की भरमार वाली फिल्म किसी का भाई किसी की जान की कहानी फरह सामजी ने अपनी अलग स्टाइल में कही है वह कहानी नहीं करते हैं बस दस बारा से सोचते हैं और फिर उनको आपस में जोड़ने के सब कुछ पहले सीन में ही साफ हो जाता है कि आगे क्या होने वाला है जो काम सिनेमा हॉल में दर्शकों को करना चाहिए था वह फरहा शाम फिल्म के मुख्य कलाकारों और सैकड़ों जूनियर कलाकारों से कराते हैं फिल्म वही सफल होती है जिसे हीरो की एंट्री पर दर्शक बजाए ना किसी फिल्म के कलाकार खैर हिंदी सिनेमा के इतिहास में पूजा हेगड़े के साथ जी का नाम भी इसलिए याद रखा जाएगा कि उन्होंने चमकते सितारे को धूमकेतु में बदल देने की महारत कैसे हासिल की पूजा हेगड़े की हिंदी में 2016 से लेकर अब तक ये पांचवी फिल्म है ऋतिक रोशन अक्षय कुमार प्रभास और रणबीर सिंह के साथ अब सलमान खान एक आदत हिट फिल्म का इंतजार उनको अभी और करना है पर्दे पर अभिनय वह अच्छा करती हैं लेकिन पता नहीं क्यों पूरी फिल्म में यूँ लगता रहा कि उनकी डबिंग कहीं आलिया भट्ट ने तो नहीं की अभिनय तो वह पूरा का पूरा आलिया भट्ट की नकल करके ही करते दिखी हैं जो काम वह अपनी पिछली चार हिंदी फिल्मों के हीरो की ब्रांड वैल्यू के साथ कर चुकी हैं वही काम अब अपनी पाँचवीं हिंदी फिल्म में सलमान खान के साथ करती दिख रही हैं सत्तावन साल के सलमान खान से वह करीब पच्चीस साल छोटी हैं लेकिन उनका किरदार भाग्य फिल्म में पहली नजर में ही भाईजान से प्यार कर बैठता है सलमान खान के साथ अपना करियर शुरू करने वाले भागेश्वरी भी अपनी पहली फिल्म मैंने प्यार किया के गाने के साथ फिल्म में मौजूद हैं पति हिमालय दसानी भी हैं और बेटा अभिमन्यु भी भूमिका चावला को भाभी का किरदार मिला है फिल्म किसी का भाई किसी की जान के संवाद और भी अटपटे हैं सिनेमा के संवादों के लिए ज़रूरी है कि वह कहानी का असर दर्शकों पर डाल सके यह संवाद सहज तरीके से निकलने वाली बातचीत में चुपके से आने वाली गहरी बात से असर लगते हैं या फिर किसी किरदार का अपना एक स्टाइल भी बना सकते हैं हिंदी सिनेमा के दिग्गज लेखक सलीम खान के बेटे सलमान खान ने इस काम में भी अपना हुनर फिल्म की शूटिंग के दौरान दिखाया ही होगा लेकिन उनका पर्दे पर बोला गया हर संवाद बनावटी लगता है उनके किरदार

चौपट ही रहा फिल्म कितने चलताऊ अंदाज से बनी है इसका अंदाज़ा फिल्म के क्लाइमैक्स में होने वाली मारधाड़ को देख लगाया जा सकता है क्लोजअप साठ में सलमान खान के चेहरे के ऊपर फिसलता मुक्का इनके नकलीपन का एहसास दिलाने के लिए काफ़ी है हैरानी वाली बात यह भी है कि सलमान को देसी जॉन विक बनाने की कोशिश करते फिल्म किसी का भाई किसी की जान कहानी की कहानी दिल्ली से लेकर हैदराबाद तक घूमती रहती है और इसके बस एक ही दृश्यों में पुलिस दिखती है हरियाणी बोली वाले बिलन बने विजेंद्र कुमार से लेकर हैदराबाद के गोखार बिलन के रूम में दिखे जगपति बाबू सब कैरिकेचर बन गए हैं और वेंकटेश के बारे में तो क्या ही कहें नेटफ्लिक्स की सीरीज राणा नायडू से उन्होंने अपने ब्रांडिंग का हाल वैसा ही कर लिया जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी का हाल हिंदी सिनेमा में सीक्रेट गेम्स ने कर रखा है किसी का भाई किसी की जान में भाईजान यानी सलमान खान शादी नहीं करने का फ़ैसला करता है क्योंकि वह नहीं चाहता कि कोई लड़की उससे उसके प्यारे भाइयों मोह यानी जस्सी गिल लव यानी सिद्धार्थ निगम और इश्क यानी राघव ज्वैल से अलग करे भाग्यलश्मी गुंडा ने यानी पूजा हेगड़े एक हैदराबादी किराएदार के रूप में भाईजान के घर में प्रवेश करती है और शादी के प्रति अपना दृष्टिकोण बदल देती है गुंडे उन पर हमला करते हैं और भाईजान को पता चलता है कि वे भाग के पीछे पड़े हैं भाग कौन है गुंडों ने भाग को मारने की कोशिश क्यों की अनन्या कौन है फिल्म के पास है सारे जवाब सलमान खान एक्शन से भरपूर इमोशनल ड्रामा किसी का भाई किसी की जान के साथ वापस आए हैं वह कुछ दृश्यों में अच्छे लगे हैं खासकर शिक्ण हाव में वेंकी के साथ उनके संवाद और भावात्मक दृश्यों में उनका प्रदर्शन अच्छा है तेलुगु स्टार अभिनेता विजय वेंकटेश को एक भावपूर्ण भूमिका मिली है उनकी स्क्रीन बहुत उपस्थित बहुत अच्छी है और जैसा कि ऊपर कहा गया है सलमान खान के साथ उनके दृश्य आंखों को दावत देते हैं पूजा हेगड़े है खूबसूरत दिखती हैं और उनका प्रदर्शन प्रभावशाली है बाकी कास्ट ठीक है इमोशनल सीन ने काफी हद तक काम किया है मेट्रो की लड़ाई और वेंकी के घर के दृश्यों पर हमला करने वाले गुंडों को अच्छी तरह से कैद किया गया है प्रोडक्शन वैल्यू अच्छी है और बैकग्राउंड स्कोर भी अच्छा है हर कोई जानता है कि यह फिल्म तमिल ब्लॉकबस्टर वीरम जो कि 2014 में आई थी कि अधिकारी में एक है जिसे तेलुगु में कट मारायडू जो कि 2017 में आई थी और कन्नड़ में ओडे जो कि 2019 में आई थी के रूम में बनाया गया था हालांकि किसी के भाई किसी की जान की कहानी में थोड़ा बदलाव किया गया है एक अभिनेता के रूम में सलमान खान अच्छे हैं लेकिन अगर हम उनके स्टारडम पर विचार करें तो के के बी के जे के एक औसत दृश्य की फिल्म नहीं है यह स्पष्ट नहीं है कि सलमान ने उस स्क्रिप्ट को क्यों चुना जो तेलुगु और कन्नड़ में रीमेक होने पर पहले ही विफल हो गई थी कभी तो कोई सोचेगा कि यह सलमान खान की फिल्म है या वेंकी की कुछ ऐसे दृश्य हैं जो ऐसा महसूस कराते हैं कहानी में नवीनता का अभाव है और कोई भी आसानी से पुरानी लिपि कर सकता है एक प्रेम दृश्य दो दृश्यों के बीच आता है और एक बिंदु पर दर्शक कहेंगे क्या हो रहा है दृश्यों के बीच कनेक्टिविटी अच्छी तरह से स्थापित नहीं है बदला लेने वाले प्रतिपक्षी जगपति बाबू को एक शक्तिशाली खलनायक के रूप में दिखाया जाना चाहिए था लेकिन उनकी हरकतें और डायलॉग समय अस्सी